कम्युनिकेशन टुडे की 94वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है, कम्युनिकेशन टुडे की यह ऑनलाइन वेबिनार यात्रा पिछले लगभग 3 वर्ष से अनवरत जारी है। उसी श्रृंखला में आज हमारी ये 94th वेबिनार होने जा रही है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 15 सितंबर 1959 भारत में दूरदर्शन की स्थापना, और इसी बहाने हमें लगा कि क्यों नहीं भारत में प्रसारण माध्यमों के उस भावी स्वरूप पर विचार किया जाए। आज हमारे साथ शिक्षक कम प्रोफेशनल ऐसे 3 व्यक्तित्व जुड़े हैं जिनका प्रसारण की दुनिया से सीधा संवाद रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ प्रसारण कर्मी श्री राजीव कुमार शुक्ला, जो वर्तमान में जबलपुर में है लेकिन फिलहाल रायपुर से हमें एड्रेस करेंगे। विस्तार से परिचय जब मैं उनको आमंत्रित करूंगा वक्तव्य देने के लिए उस समय करूंगा। हमारे साथ हैं कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता एवं जनसंचार के प्रोफेसर डॉक्टर सुबोध अग्निहोत्री। जैसा मैंने कहा कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, तो किसी भी शिक्षक के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि दूरदर्शन के स्थापना दिवस के अवसर पर उनकी पदोन्नति हो। आज सवेरे तक डॉक्टर सुबोध एसोसिएट प्रोफेसर थे और आज वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में प्रमोट हुए हैं। हम सभी की तरफ से उनको बधाई। और हमारे साथ हैं एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर नवीन गौतम जी। इन तीनों मित्रों का परिचय मैं विस्तार से आपको अभी दूंगा, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। लगभग 64-65 वर्ष भारत में दूरदर्शन की यात्रा को हो चुके हैं। जो आकाशवाणी अपनी एक सदी पूरी कर चुकी है, प्रिंट मीडिया लगभग 250 वर्ष का हो गया है, डिजिटल मीडिया लगभग 20-25 वर्षों का पुराना हो गया है, और सिनेमा ने भी अपनी एक सदी की यात्रा पूरी कर ली। लेकिन आज हम अपने इस पूरे चर्चा को केंद्रित रखेंगे प्रसारण माध्यमों को लेकर। जिस समय दूरदर्शन का आगमन हमारे देश में हुआ था, उस समय दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रसारण जगत में एकाधिपत्य था। 1994 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि एयर फ्रीक्वेंसीज पर किसी एक का अधिकार नहीं है, तो उसी के साथ निजी क्षेत्र के प्लेयर्स का भी इस क्षेत्र में आगमन हुआ, और उनके आगमन के साथ हमारा प्रसारण का पूरा परिदृश्य बदलता चला गया और बहुत सारे निजी चैनल रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में अवतरित हुए, और ये दुनिया लगभग पूरी तरह से हमारे देखते देखते ट्रांसफॉर्म हो गई। हमें तो अपने विद्यालय जीवन का वो दौर भी याद है जब हम टेलीविजन के कार्यक्रमों को देखने के लिए अड़ोस पड़ोस में जाया करते थे। तब शायद कल्पना नहीं की थी कि ये टीवी सेट हमारे घर परिवारों का एक तरह से आने वाले समय में एक सदस्य बन जाएगा। फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि डिजिटल माध्यमों के प्रवेश ने, तकनीकी क्रांति ने प्रसारण की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार आदि न जाने कितने ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन्होंने नई पीढ़ी की उस रचनात्मकता को एक प्रभावशाली मंच दिया है। वहीं रेडियो प्रसारण में भी FM के माध्यम से हमने शिक्षा और मनोरंजन की एक नई दुनिया को एक तरह से रूबरू हुए हैं या उनका साक्षात्कार किया है। कम्युनिटी रेडियो ने शैक्षिक दुनिया में क्रांति की है, जहां इग्नू और UGC जैसे जो हमारे अकादमिक नियामक संस्थाएं हैं, शैक्षिक विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने भी इन माध्यमों का दूरवर्ती शिक्षा में भरपूर उपयोग किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मीडिया में प्रवेश के साथ
एक नई दुनिया का अचंभित करने वाला दौर, कम से कम मेरी पीढ़ी के लोग जो अपने सेवानिवृत्ति के दौर का आनंद उठा रहे हैं उन्होंने देखा है, जब कुछ दिन पहले ही इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में एक एआई एंकर ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो गई है, मैं 2024 तक देश की श्रेष्ठ पत्रकार बनना चाहती हूं और मुझे विश्वास है एक दिन में देश के प्रधानमंत्री का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी लूंगी, हमारे देश की पहली एआई बोट एंकर। हालांकि चीन ने 2018 में ये एक्सपेरिमेंट कर लिया था, उसके बाद इसी वर्ष उन्होंने भी एक महिला एआई एंकर को प्रेजेंट कर दिया है। रूस ने मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए इस तरह का एक स्वचालित, या यूं कहूं कि इस तरह के एआई एंकर तैयार किए हैं, कुवैत में भी प्रयोग हो रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दौर में न जाने हम कितनी तरह के परिदृश्य को हम देखेंगे। हमारी पुरानी पुस्तकें जब हमने पढ़ाना शुरू किया था, जो पुस्तकें लिखी थी, मुझे लगता है धीरे धीरे अप्रासंगिक होती चली जा रही है। अब ये माध्यम इंटरैक्टिव होते चले जा रहे हैं, जिस तरह से ये माध्यम हमारे मोबाइल में प्रवेश कर गए हैं, तो हम एक तरह से रियल टाइम दुनिया को देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारे उस पूरे आभासी संसार को बदल दिया है। यूट्यूब जैसे चैनल हमारे पास है, जो ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ उनका मूल एक तरह से उद्घोष है, और जैसा मैंने कहा, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले युवाओं से लेकर ऐसे अनेक रचनाधर्मियों को एक ऐसा मंच मिला है जहां वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और मुख्य धारा के मीडिया पर उनकी निर्भरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा, हमारे साथ विशेषज्ञ हैं जिनका व्यापक अनुभव है, वो इस संसार से आपको आज परिचित कराएंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजीव कुमार शुक्ल जी। संयोग से शुक्ल जी से मेरा परिचय इसी ऑनलाइन माध्यम से हुआ, हमारी एक वेबिनार में उनकी उपस्थिति ने और उनके साथ जो चर्चा हुई, मुझे उसी दिन लगा था कि मैं एक ऐसा अवसर तलाश रहा था जब उनको आमंत्रित कर सकूं। शुक्ला जी का भारतीय प्रसारण माध्यमों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण परिदृश्य को भी बहुत निकट से देखने का उन्हें अवसर मिला है। आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और वहां बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में करने के बाद आपने जर्मन लैंग्वेज में भी डिप्लोमा किया और वहीं से पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा की परीक्षा प्रथम पोजीशन के साथ उत्तीर्ण की। उसके बाद आपने अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा से अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। करियर की शुरुआत आपने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से की 1977-78 में बनारस से। उसके बाद जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आप रेडियो ऑफिसर के रूप में, वहां का डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है उसमें आप जुड़ते हैं 1978 में। लेकिन रेडियो, या यूं कहूं कि आकाशवाणी में उनके करियर की शुरुआत होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में, और यूपीएससी के माध्यम से उनका चयन हुआ 1981-1981 में। एक आकाशवाणी के प्रसारण कर्मी के रूप में शुक्ल जी को कई तरह के कार्यक्रमों के करने का अनुभव है। एक मीडिया कर्मी जो अपने संस्थान में काम करता है, यदि अखबार में है तो डिफरेंट बीट का उसको एक्सपीरियंस होता है, रेडियो टेलीविजन में है तो साहित्य, संगीत, कला, कृषि आदि विविध प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनको बनाने का उनका अपना अनुभव है। तो आपको भी विविध प्रकार का अनुभव है और कई पदों पर आपने काम किया। पैक से आपकी यात्रा शुरू हुई और एडीजी प्रोग्राम से आपकी सेवानिवृत्ति होती है। आपने मध्य प्रदेश सहित देश के अनेक प्रमुख राज्यों के आकाशवाणी केंद्रों पर काम किया। देश के अनेक अंचलों में आपने प्रसारण से जुड़े हुए विषयों पर अपनी विशेष टॉक्स भी दी हैं, जिसमें देश के प्रमुख विश्वविद्यालय भारतीय जनसंचार संस्थान, जो हमारे यहाँ आईपी यूनिवर्सिटी है, इसके अतिरिक्त देश के अन्य विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में आप नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते रहे हैं। आपके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है वर्ष 2002 में, जब आपको अवसर मिलता है अमेरिका में जाने का और वहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका से जुड़ने का। वहाँ रहते हुए आपने न्यूज़ और करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज, प्रोग्राम एनवायरमेंट पे प्रोग्राम आदि विविध प्रकार का जो अनुभव है आपको यहाँ मिलता है। इसी के साथ हेल्थ, स्पोर्ट्स, कहने का मतलब यह है कि प्रसारण के विभिन्न जो कार्यक्रम हैं उनका वहाँ आपने एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय अनुभव लिया, उसकी फील्ड कवरेज भी आपने की।
इसी तरह से वहां वॉइस ऑफ अमेरिका का जो हिंदी सर्विस का वेब पेज है उसके भी आप संपादक रहे। अमेरिका में रहते हुए आप अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और रंगमंच से जुड़ी हुई गतिविधियों के साथ भी जुड़े रहे। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे नानाविध तरह के अवसर अपने विदेश प्रवास के दौरान मिले। अमेरिका से आने के बाद आप फिर ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ते हैं और यहाँ पर आपने लगभग एक दशक तक विभिन्न प्रकार की जो बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है, पॉलिसी, स्पोर्ट्स, स्पोकन वर्ड, म्यूजिक, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मार्केटिंग डिवीजन आदि आदि में काम किया। उसके बाद आप एडिशनल डायरेक्टर, जैसा मैंने आपसे कहा कि एडीजी प्रोग्राम्स से वहां से आप सेवानिवृत्ति होती है और उसके बाद एक साल तक आपने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डायरेक्टरेट जनरल ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली में काम किया। अमेरिका के अलावा आप इंग्लैंड में रहे, वहां ओलंपिक्स कवर किए, स्पोर्ट्स कवर करने का आपको बहुत अवसर मिला। कई प्रमुख ओलंपिक्स और एशियन गेम्स जो आयोजित हुए पिछले लगभग दो दशक में, उनको कवर करने का आपका विशेष अनुभव है और एक कमेंटेटर के रूप में भी, क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में आप अप्रूव्ड हैं। इसके अलावा टेनिस, बैडमिंटन आदि जो गेम्स हैं उनकी भी आप कमेंट्री करते रहे हैं। जो हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम हैं, वहाँ जो दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं और गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसका भी आंखों देखा हाल आपने आकाशवाणी से सुनाया था। इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं उनकी कंपेयरिंग का भी आपको विशिष्ट अनुभव है। आपने विभिन्न भाषाओं की आपको जानकारी है, अनेक भाषाओं के साहित्य को, कविता कहानियों को आपने अनुवादित किया है, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी सहित अनेक दूसरी जो भाषाएं हैं, बुल्गेरियन, अंगोली, पोलिश, पोलिश और लैटिन अमेरिकन भाषाओं को भी आपने ट्रांसलेट किया है और साहित्य अकादमी की बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है इंडियन लिटरेचर, उसमें भी आपके अनुदित जो रचनाएं हैं वो नियमित रूप से प्रकाशित होती रही हैं। बहुत लंबा परिचय है आपका, यूनिसेफ, यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी आपका जुड़ाव है। तो राजीव जी का जो ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है प्रसारण माध्यमों का, तो मुझे लगता है आज के इस दूरदर्शन स्थापना दिवस के अवसर पर वो इस पूरे परिदृश्य को, हालांकि आपके पास समय की सीमाएं हैं, आपको अपनी फ्लाइट तुरंत पकड़नी है, लेकिन जितना भी समय आपके पास उपलब्ध है तो हम चाहेंगे प्रसारण की दुनिया के अपने अनुभव और भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में हमें संबोधित करें। भाई राजीव कुमार शुक्ल जी, भागवत जी, आपको विद्वान जो यहाँ मौजूद हैं और जो नौजवान जुड़ रहे हैं उन सबको मेरा अभिवादन। और आज जैसा आपने कहा कि दूरदर्शन का स्थापना दिवस है तो उसकी बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि मीडिया की एक बड़ी घटना वो है और इस नाते जो मीडिया कर्मी हैं या जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए वो, जैसे हम 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं जिस दिन पहली बार भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी, तो उसी तरह से 15 सितंबर का दिन महत्वपूर्ण है। 15 सितंबर 1959 को, जैसा कि चर्चा में कहा गया, आपको जानकर थोड़ा सा, शायद बहुत से लोग जानते भी हों कि बहुत दिनों तक शुरू दूरदर्शन है वो आकाशवाणी के एक हिस्से के रूप में काम कर रहा था और आकाशवाणी भवन जो दिल्ली पर है उसी में एक फ्लोर पर या दो फ्लोर पर दूरदर्शन का काम होता रहा। बहुत से लोग थे जो उस बिल्डिंग को आकाशवाणी भवन के रूप में नहीं बल्कि दूरदर्शन केंद्र दिल्ली के रूप में जानते थे, जो खासतौर से टेलीविजन वाले लोग थे। लेकिन बाद में जैसा हम जानते हैं मंडी हाउस में उसका एक अलग वो बना और अब दूरदर्शन की अपनी एक विकास यात्रा है, ब्रॉडकास्ट। और आपने जिक्र किया कि क्या क्या सदी के मोड़ के साथ, सहस्राब्दी के मोड़ के साथ क्या क्या चीजें हुई, प्राइवेट मीडिया आया और रेडियो में जैसे निजी रेडियो आए और उसके बाद जैसे कम्युनिटी रेडियो का आविर्भाव हुआ। आज की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी ने और भी बहुत सारी चीजें संभव की हैं। मुझे लगता है कि जब हम न्यू एराज इन ब्रॉडकास्टिंग जैसा एक विषय देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा और व्यापक विषय है जिसके बहुत सारे कोण हैं, बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हैं। इट हैज एब्सोल्युटली मल्टीफेरियस नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव्स। तो इतने सारे इसके विचार करने के रूप हैं, कुछ की चर्चा हम कर सकते हैं, मैं बात करूंगा, कोशिश करूंगा बाकी पर और विद्वान लोग बात करेंगे। मुझे लगता है कि देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है कि वी आर ए टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सोसाइटी।
टेक्निक हमारे जीवन को लगातार बदल रही है, वो हमारे रोजमर्रा के जीवन को बदल रही है, हमारे घर में आ चुकी है, हमारी रोज की आदतों को बदल रही है, खान पान को बदल रही है, शॉपिंग को बदल रही है। उसी तरह से उसने मीडिया के अंदर काम किया है। और जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया, इंटरेक्टिव, यानी ये सारा का सारा जोर यह रहा है, और इसे आप कह सकते हैं कि जो श्रोता हैं या जो दर्शक हैं उनके पास ये अधिकार या ये संभावना, ये क्षमता टेक्नोलॉजी ने उनको उपलब्ध कराई। जैसे रेडियो में अगर हम बात करें तो रेडियो में पारंपरिक रूप से, अगर मैं बहुत संक्षेप में चर्चा करूं, कि होता ये था कि आप चिट्ठियां आती थी, उसके बाद ये हुआ कि ऐसे कार्यक्रम शुरू हुए कि भाई किसी विभाग के बारे में अगर लोगों की कुछ शिकायतें हैं तो लोगों के बीच जाते थे और पूछते थे, भाई जल आपूर्ति को लेकर, बिजली को लेकर, विभाग को लेकर आपकी क्या समस्या है, उनको लेकर रिकॉर्ड करके फिर जाते थे उसके अधिकारी के पास कि देखिए लोग ये कहते हैं, अब आप जवाब दीजिए कि आपको क्या कहना है। उसके बाद एक स्थिति ये आई कि जैसे फोन इन प्रोग्राम शुरू हुए, कि वो अधिकारी आपके साथ आके स्टूडियो में बैठे हैं और फोन पर सीधे लोग बात कर रहे हैं और वहां बात करके बता रहे हैं कि उनके क्या सवाल है। और उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि अब नए माध्यम आए, SMS के जरिए लोग सवाल पूछने शुरू किए, ईमेल के जरिए शामिल होना शुरू हुए, और अब और नए माध्यम भी आ गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि कोई सीमा ही नहीं है। अगर उसी ही चर्चा हम विस्तार करने बैठे हैं, आप देखें कि जो खेलों का प्रसारण, चूंकि मेरा खेलों से बड़ा संबंध रहा है, तो रेडियो पर भी जो खेलों का प्रसारण है, एक दौर वो होता था जबकि एक आपके साथ क्रिकेट की अगर कमेंट्री की जिक्र करें कि आपके साथ एक स्कोरर होता था और एक स्टैटिस्टिशियन होता था। इनका काम ये होता था कि ये स्कोरर तो स्कोर रखते थे ताकि अगर कमेंटेटर कोई गलती करे तो ठीक कर दें, सही सही बताते रहें, और जो स्टैटिस्टिशियन है वो क्या करते थे कि वो उनके पास सामग्री होती थी तो वो बीच बीच में बताया करते थे ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो उस खेल के समय महत्वपूर्ण हो। फ्रूट मॉनिटर नाम की मशीन है जिसमें ये हुआ कि वो कमेंटेटर के सामने ही है और उसमें उस खेल से, उस क्षण से संबंधित बहुत सारी चीजें आपको सामने नजर आ रही हैं। अब कमेंटेटर को भी ये कोशिश करनी पड़ी कि वो लगातार अपना निगाह, अपनी निगाह खेल पर भी रख रहा है और भी रख रहा है। तो मल्टीटास्किंग जिससे आज के जमाने में हम कहते हैं, वो मल्टीटास्किंग शायद हमारे हर मिनट पर, हर मोमेंट पर लागू हो गई। उसके साथ साथ फिर ये है कि अब आप जानते हैं कि अगर टेलीविजन की हम बात करें कि कैमरे कितने होते थे, एंगल किस तरह के होते थे, हॉकआई का जमाना आया, स्टंप माइक का जमाना आया, रिप्लेस का जमाना आया। आज स्थिति यह है कि छोटी सी गलती कोई कर दे, अगर रेफरी कर दे, अंपायर कर दे, तो उसको 100 बार दिखाया जाएगा। किसी खिलाड़ी से कोई भूल हो जाती है तो 10 बार दिखाई जाती है। एक तीसरी चीज आप और देखें इंटरेक्टिव के रूप में कि सोशल मीडिया, मान लीजिए कि कोई गलती कहीं किसी से हुई तो सोशल मीडिया पर आप देखें, जैसे एक आपको याद होगा एक मौका आया था, नो बॉल दी थी, लोगों को लगा कि नो बॉल है, दी नहीं गई, तो उस समय यह हुआ कि लोगों ने उसके बाद सोशल मीडिया पर ढेर लग गया। या दूसरी भी बातें भी होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अभी टेनिस में ग्रैंड स्लैम का जमाना चल रहा है, नोवाक जोकोविच ने अभी मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की मुकाबले बराबरी कर ली है 24 ग्रैंड स्लैम की। पर एक परसेप्शन है कि जो पश्चिमी मीडिया है वो नोवाक जोकोविच को रोजर फेडरर या राफेल नडाल के मुकाबले कम महत्व देता है या कम करके आंकना चाहता है। तो आप देखें कि सोशल मीडिया पर एक बाकायदा एक मूवमेंट चल पड़ता है, ऐसा क्यों हो रहा है, और ब्रॉडकास्टर्स को भी उसमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आज आम लोगों का जो दखल है, टेक्नोलॉजी जो है वो उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा बेहतर बनाकर भी ला रही है। अब हम अगर अपने भारत की चर्चा और एक संदर्भ में करें, अभी एक बहुत बड़ा दुनिया का शिखर सम्मेलन हमारे देश में हुआ, तो आप जानते हैं कि ब्रॉडकास्ट के जरिए किस तरह से पूरे देश की जनता उससे लगातार जुड़ी रह सकी, किस तरह आपको लगातार उसकी जानकारियां मिलती रहीं, और किस तरह उसकी एक जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कौन सी बुकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई, क्या जानकारियां दी गई, ये चीजें भी लगातार चलती रही। तो आप देखते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग जो है उसके स्वरूप में एक शब्द आजकल बहुत लोकप्रिय है, कन्वर्जेंस। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा इसका इसकी व्याख्या कर दूं। मिसाल के तौर पर रेडियो एक ऑडियो मीडियम है, टेलीविजन एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, डिजिटल माध्यम हमारे पास उसके बाद आता है। अब रेडियो पर भी जो डिजिटल रेडियो है वहां ये संभावना है, या संभावना नहीं ये रियलिटी है, कि आप वहां पर स्क्रॉल कर सकते हैं,
आप चीजें दिखा सकते हैं और वहां पर न्यूज की हेडलाइंस दे सकते हैं। डिजिटल रेडियो में यहां तक संभावना आ गई है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा घट रही है तो बाकी सारे ब्रॉडकास्ट को रोक करके उसके ऊपर डिजिटल वो जो प्राकृतिक आपदा संबंधी संदेश है वो आने शुरू हो जाएंगे। वैसे भी ये चर्चा में एक वाक्य यहाँ कह दूं कि दुनिया भर का अनुभव ये है कि बाकी सारे माध्यम जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब नेचुरल डिजास्टर कोई बड़ा होता है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम आज भी जब वो घट रहा होता है तब रेडियो हो जाता है। उसका कारण ये है कि सबसे पहले बिजली जाती है। अगर समुद्री तूफान आए, भूकंप आए, इस तरह कोई चीज आए तो बिजली जाती है, और जैसे ही बिजली जाती है बहुत सारी चीजें आपकी काम करना बंद कर देती हैं। इसीलिए अमेरिका में जहां मैं 2 साल रहा और अब भारत में भी एनडीएमए में है कि डिजास्टर में जो सर्वाइवल किट कहलाता है उसमें बैटरी ऑपरेटेड रेडियो शामिल है, यानी आपकी जान बचा सकता है बैटरी ऑपरेटेड रेडियो अगर आपके साथ वो है और ऐसे मौके पर, ऐसे संकट में आप फंसे हैं तो आपको जानकारियां मिल जाएंगी कि आप क्या करें, हेल्पलाइन नंबर क्या है, कैसे निकल सकते हैं, आपके इलाके में क्या है, तो ये तमाम चीजें हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक और पर्सपेक्टिव भी है जिसे जब हम न्यू एरा कहते हैं तो न्यू एरा का एक पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि एक समय में हम पूरे के पूरे मीडिया के काम को एक मिशन की तरह देखते थे। ये मान के चला जाता था कि आप कबीर की अगर को हम कोट करें, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, यानी आपको शायद बहुत कुछ जीवन में सुख समृद्धि को छोड़कर संघर्ष का रास्ता लेना पड़ेगा आपको। अभी हाल में मैं आपको बताऊं, आपने शायद आप में से बहुत मित्रों ने देखा हो, भारत के जो मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने एक जगह कहा कि स्पीक ट्रुथ टू पावर को मीडिया में फिर से रीइटरेट किए जाने की जरूरत है, यानी सत्ता के सामने, शक्ति केंद्रों के सामने सच कहा जाए, उनके ही मन की बात न कही जाए, सच कहा जाए। वो ये सीजेआई ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, और ये बहुत पुराना एक डिक्टम है कि आपको सच कहना है, ऑब्जेक्टिविटी रखनी है, एक्यूरेसी रखनी है और पक्ष नहीं लेने हैं। तो आप देखें कि एक घटना और है, भानावत साहब आपने भी नोटिस किया होगा, एक अजीब सी घटना घटी है, उसके कारणों का मीमांसा करने बैठेंगे तो बहुत से उसके पक्ष विपक्ष में आ जाएंगे, पर अंततः ये हुआ है कि एक सूची आई है कि साहब ये जो लोग हैं इनके साथ हम कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी कहीं ना कहीं मीडिया की एक ये छवि भी है कि वो पक्ष और विपक्ष में ऐसा जाकर शामिल हो गया है कि बाकायदा जो मीडिया के बारे में आप ये मानते थे कि एक न्यूज है और एक व्यूज है, न्यूज है जो कि अंततः सच्चाई को बयान करती है, और व्यूज ये हैं जहां पर कि सभी पक्षों को अपना मत रखने का मौका दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए स्थिति ये बन जाए कि सत्ता पक्ष कहे कि ये पत्रकार हमें नहीं चाहिए, विपक्ष कहे कि ये पत्रकार हमें नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये है, अगर मैं शेक्सपियर के हैमलेट के संवाद को याद करूं कि डेनमार्क के राज्य में कुछ गड़बड़ है, यानी इसका मतलब, और ये मामला सिर्फ भारत का नहीं है, ये मामला अब वैश्विक हो चुका है। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरह की चीजें उपलब्ध करा दी हैं कि उन्हें संभालना अभी हम सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये तमाम ऐसे न्यू एरा के चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने आएंगे। और एल्विन टॉफलर की किताब है फ्यूचर शॉक, जिसमें वो कहते हैं कि परिवर्तन तो हमेशा से होता रहा है पर इस परिवर्तन की गति बढ़ती चली गई है। और आप देखें, पाषाण युग जो है लाखों साल चला, उसके बाद के युग जो है, और आज स्थिति यह है कि हमारे आपके जीवन में चीजें आई और गईं, पीसीओ का जमाना आया और गया, पेजर आए और गए, कई चीजें हैं तो वो हमने देखा और उनको अपने जिंदगी से जाते भी देखा। आज आने वाला कल जो है वो कितने नई सारी टेक्नोलॉजी लेकर आएगा। हाँ, मैं कन्वर्जेंस की बात कर रहा था तो मुझे लगता है वो बात मुझे पूरी कर लेनी चाहिए। आज आप देखिए कि आप लगभग जितने बड़े अखबार हैं उनकी वेबसाइट पर जाइए, आपको सब जगह पॉडकास्ट दिखेगा। पॉडकास्ट का मतलब क्या, यानी ये कि वो किसी न किसी विषय पर ऑडियो एक टॉक होती है जिसमें 3 विषय 4 विषय वो चुन लेते हैं, क्या कल के महत्वपूर्ण विषय ये थे, और उनके ऊपर एक ऑडियो टॉक होती है एक पत्रकार द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ, अखबार के अंदर ये गुण भी चाहिए, किसी न किसी लोगों कुछ लोगों में ये हुनर उन्हें पैदा करना पड़ेगा कि जो ऑडियो की भाषा का इस्तेमाल करना जानते हों, रेडियो के ढंग से लिख सकते हों, उसको डिलीवर कर सकते हों, यानी उनकी अच्छी डिलीवरी, अच्छी आवाज, अच्छा डिक्शन हो, और उसके बाद वो मौजूद रहेगा वेबसाइट पर
जहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। ये चीजें आप टेलीविजन में पाएंगे, आप किसी भी दुनिया के ब्रॉडकास्टिंग मीडियम में जाइए आप देखेंगे, वहां पर आपको मिलेगा ऑडियो या प्रोग्राम ऑन डिमांड, यानी वो कार्यक्रम जो ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं। क्योंकि वो जमाना भी भानावत साहब चला गया कि जहां ये होता था कि आकाशवाणी ने कहा कल सुबह 6 बजे ये होगा, 6:30 ये होगा, 7 बजे ये होगा, 7:30 ये होगा, 8 बजे। अब स्थिति ये है, कुछ चीजों को छोड़ दे, बहुत से पुराने श्रोता हैं जो उस तरह से जुड़ पाते हैं, पर बहुत से युवा हैं जिनके पास उस तरह की मुश्किल है। वो क्या चाहते हैं, जब उन्हें सुविधा हो तब उनके पास वो कॉन्टेंट उन्हें मिलना चाहिए। तो उसके लिए फिर वो मोबाइल का वो डिजिटल माध्यम है जहां पर की चीजें इकट्ठा करके रखी जाती हैं, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, चाहे वो आर्काइवल हो और चाहे वो कॉन्टेम्पररी हो, उनको रखा जाता है ताकि जब, तो अब एक तरफ कहा जाता है कि नाउ कस्टमर या कंटेंट इज द किंग, ये भी एक बात है। तो एक नई दुनिया है, एक नई यात्रा है, ये यात्रा बहुत सी चुनौतियों से, बहुत सी उत्तेजनाओं से, बहुत सी संभावनाओं से भरी हुई है, लेकिन ये है कि इसमें चूंकि आप जानते हैं कि परिवर्तन तो होना ही है, आगे हमें बढ़ना ही है, समय के साथ बदलना ही है, तो आशा करनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी का जो जन कल्याणकारी रूप है वह आगे बढ़ेगा, और जो मीडिया की मुख्य भूमिका है टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू एंटरटेन, लोगों को सही खबर, सच्ची बातें, सच उनके सामने पहुंचे, ताकि वो एक जनतंत्र का जो हम चौथा पिलर क्यों कहते हैं मीडिया को, क्यों, ताकि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी है, एक ऐसा नागरिक समुदाय है देश का जिसके पास जानकारियां हैं, विवेक है, जिसके आधार पर वो देश के विकास के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, देश के चुनाव के बारे में सही निर्णय कर सकता है। इसमें मीडिया की भूमिका होती है, और मुझे लगता है कि जो नया युग है, इस नए युग में हम सब यात्रा करते हुए तमाम बदलाव भी देखेंगे और उन बदलावों का अच्छा रूप भी देखेंगे। मैं आशावादी हूं और आशा करता हूं कि नई पीढ़ी और भी बेहतर करके दिखाएगी, जितना हम कर पाए उससे कहीं आगे तक वो लोग जाएंगे। बहुत बहुत आभार शुक्ला जी, आपने अपनी सम्मोहक वाणी में, मुझे तो लगा आंख बंद करके बैठ जाएं यही लगेगा कि हम रेडियो सुन रहे हैं, जिस तरह से एक दौर था आकाशवाणी का और हम लोग लालायित होते थे आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनने का, आपको सुनते हुए मुझे तो पूरा का पूरा दौर आंखों के आगे बिल्कुल फिल्म की भांति तैरने लगा। आपने मिशन से, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते मीडिया की ओर संकेत करते हुए कन्वर्जेंस पर महत्वपूर्ण अपनी टिप्पणी की कि किस तरह से मीडिया में बदलाव आ रहा है, रेडियो की महत्ता, चाहे प्राकृतिक आपदा के समय हो या ऐसे ही और जो घटनाक्रम है वहां उसने अपनी महत्ता को तुरंत विश्वसनीय सूचना देने के लिए। मैं कहीं पढ़ रहा था जिसमें तो एक दौर था जब आकाशवाणी से कोई खबर आ गई मतलब गलत हो ही नहीं सकती, आकाशवाणी जब सूचनाओं के सारे स्रोत बंद हो गए थे तब आकाशवाणी हुई थी, हे कंस तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, तो उस तरह का सूचना तंत्र विश्वसनीय था, आकाशवाणी ने स्थापित की। आप जैसे प्रसारण कर्मियों का योगदान उसमें मुझे लगता है कि भुलाया नहीं जा सकता। निश्चय ही आने वाला परिदृश्य, आने वाला समय तकनीक आधारित होगा, और तकनीक यदि मनुष्य से ज्यादा विवेकशील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी यही सबसे बड़ी चुनौती है, और व्यक्ति की रचना धर्मिता, उसकी कल्पनाशीलता, उसका जो निर्णयात्मक शक्ति है, क्योंकि रोबोट जो है उसके पास वो सोचने समझने की क्षमता नहीं है। हम तकनीक का उपयोग अपने आप को और अधिक सक्षम बनाने के लिए कर पाए, कुछ इस तरह के संदेश आपने अपने इस वक्तव्य में हम लोगों को दिया है। उम्मीद करते हैं हमारी नई पीढ़ी के जो विद्यार्थी जुड़े हैं, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कुछ मित्रों ने अपनी परिचय में लिखा है कि वो सब विद्यार्थी हैं, तो आने वाला जो भविष्य है प्रसारण का वो इन्हीं विद्यार्थियों के हाथ में है। जब आपने पॉडकास्ट की बात की, बल्कि अब तो अखबारों की स्थिति यह है कि इनके ऐप पे जाइए तो मुझे लगता है कि अब जो मीडिया कर्मी आ रहे हैं उनको तो अच्छा लेखक होना चाहिएगा, प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा, और उनको उनकी आवाज में भी वही मधुरता और सम्मोहन की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अखबारों के ऐप में खबर भी लिखी जा रही है, खबर में को बोल के प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके वीडियो बनाए जा रहे हैं, और पॉडकास्ट में भी है। तो जो आपने कन्वर्जेंस कहा, मल्टीटास्कर जो है आज की इस पीढ़ी के पत्रकारों को, मीडिया कर्मियों को होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हम सभी का मार्गदर्शन किया, और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर सुबोध अग्निहोत्री को।
जैसा मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर सुबोध अग्निहोत्री आज ही प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति उनकी हुई है, तो उन्हें एक बार पुनः हमारी ओर से कम्युनिकेशन टुडे और सारे प्रतिभागियों की तरफ से बधाई देते हुए मैं उनका परिचय आपको दूंगा। एक लंबे समय से आप कोटा ओपन यूनिवर्सिटी राजस्थान में एक तरह से ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसने डिस्टेंट मोड से विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित किया, बड़े प्रभावी ढंग से संचालित किया है। तो उस कोर्स को आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में आप काम कर रहे हैं। संयोग से आपके कार्यकाल में मुझे इनकी उस कार्य क्षमता को, उनके उस पूरी कार्य योजना को किस तरह से क्रियान्वित किया है कई बार देखने और समझने का मौका मिला। अलग अलग कैपेसिटी में मुझे इनके विश्वविद्यालय की कुछ समितियों में जाने का मौका मिलता रहा है। डॉक्टर सुबोध कुमार, कोटा में ज्वाइन करने के पहले आपने जौनपुर वहां पर अध्यापन कार्य किया, पत्रकारिता में पढ़ाई पढ़ाया और उसके बाद फिर आपने कोटा में ज्वाइन किया। डॉक्टर सुबोध कुमार ने अध्यापन में आने के पहले जो हमारे देश के कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं उनके साथ आप जुड़े रहे, जिसमें प्रमुख रूप से आप अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा आदि जो प्रमुख पत्र हैं, न्यू एक्सप्रेस, इन अखबारों के साथ आपका जुड़ाव रहा। आपने देश में अनेक स्थानों पर, अनेक विश्वविद्यालयों में बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, मीडिया से जुड़े हुए जो विषय हैं उस पर आपने अपनी बात कही है और बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी आपने बनाए हैं। चूंकि डिस्टेंट मोड से आप एजुकेशन की एक तरह से उसको नेतृत्व कर रहे हैं, उसकी पताका को आप फहरा रहे हैं, तो आपने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं मीडिया से अलग अलग विषयों पर जुड़े हुए। आपने जो डिस्टेंट मोड में जो पूरा लिटरेचर, क्योंकि पाठ्यक्रम जब तैयार करते हैं तो प्रिंट मटेरियल की अपनी बहुत महत्ता है और सबसे बड़ी जो चैलेंज है उसको अपडेट करना, जिस तेजी से तकनीक परिवर्तित हो रही है तो उस परिवर्तन के साथ अपने उस सरकारी तंत्र में रहते हुए उसके साथ अपने आप को जोड़े रखना, इसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने अनेक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेमिनारों में सहभागिता की है। आपने आपके अनेक पत्र जो हैं शोध पत्र वो देश विदेश की प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। आप कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के जो पाठ्यक्रम हैं उसके भी कोऑर्डिनेटर हैं और आपकी कई दो तीन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं मीडिया को लेकर के, और जो देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं जो UGC केयर लिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की संचार माध्यम, कम्युनिकेटर आदि अनेक ऐसे प्रतिष्ठित पत्र हैं, और संयोग से कम्युनिकेशन टुडे को भी आपका संरक्षण मिलता रहा है। इसमें भी आपने समय समय पर अपने जो पत्र हैं, आर्टिकल हैं वो आपने प्रकाशित करवाए हैं। आपको विनर रहे हैं ये 2000 का जो BBC यंग जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड है, उससे भी आपको पुरस्कृत किया जा चुका है। आप साइंस कम्युनिकेशन आपका प्रिय एरिया है, आपने इसमें वो कोर्स भी किया है और विज्ञान पत्रकारिता या यूं कहूं कि विज्ञान संचार को लोकप्रिय बनाने की दिशा में आपने उत्तर प्रदेश सहित देश के अनेक अंचलों में महत्वपूर्ण कार्यशालाएं आयोजित की हैं और विज्ञान संचार का जो पूरा आंदोलन है, संयोग से मेरा भी बहुत लंबा जुड़ाव रहा है और अपने विश्वविद्यालय में मैंने भी कुछ इस तरह के सेमिनार आयोजित किए DST और इनके साथ। तो भाई सुबोध जी का व्यक्तिगत रूप से इस तरह के आयोजनों के साथ महत्वपूर्ण जुड़ाव रहा है। आपने NCSTC और DST इनकी जो वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, कार्यशालाएं हैं उनमें भी सहभागिता की है। फंडामेंटल्स ऑफ जर्नलिज्म इस पुस्तक के आप लेखक हैं और विज्ञान संबंधी दो पुस्तकों का आपने संपादन किया है और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, सॉरी जौनपुर में नहीं, आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य करते रहे हैं और इसके अलावा भी आपने जिस तरह से मीडिया एजुकेशन को पिछले दो दशक में दिशा दी है वह भी अभिनंदन के योग्य है। मैं एक बार पुनः अपनी ओर से बधाई देते हुए डॉक्टर सुबोध अग्निहोत्री को आमंत्रित करता हूँ कि प्रसारण की दुनिया को आप अब किस रूप में देखते हैं, भविष्य की इन चुनौतियों को आप किस रूप में देखते हैं, आमंत्रित हैं अपने विचार हमसे साझा करने के लिए डॉक्टर सुबोध अग्निहोत्री। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिचय दे दिया सर आपने। हम लोग तो आपको उस समय से सुन रहे हैं और मैं तो विशेष रूप से, मैंने एक बार नहीं कम से कम दर्जनों बार ये कहा होगा कि भानावत सर को हम लोग एक चलते फिरते विश्वविद्यालय के तौर पर देखते हैं पत्रकारिता के, तो हम लोग आपसे बहुत सीखते आए हैं और अभी भी सीख रहे हैं। और जो आपने मीडिया एजुकेशन के क्षेत्र में ये अलग जगह है,
जो वेबिनार ये हो रहा है, मुझे लगता है कि किसी को कुछ कहने की ये बहुत जरूरत नहीं है कि मीडिया एजुकेशन के क्षेत्र में जो आप योगदान दे रहे हैं और ऐसे विशेषज्ञों को बुला के उनके लेक्चर्स, उनके व्याख्यानों का जो आयोजन हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इस पर जुड़ते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। अभी जैसा कि आपने कहा राजीव सर का जो बिल्कुल, तो मैं आंख बंद करके और कान में लगाए हुए था इसको, और मैं एक कमेंट्री के तौर पर सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि अभी एक खत्म ना हो भी चलता रहे थोड़ा और। तो राजीव सर ने पूरी बात जो है वो समेट दी है, बहुत कुछ बचता नहीं है। और अभी नवीन सर को भी चूंकि सुनना है और मुझे भी अभी कुछ काम निपटाने हैं, जो कि मैं अभी बैठा हूँ, मैंने आपसे क्षमा याचना की थी कि सर मैं बीच में जुड़ूंगा जरूर, तो अपनी बात कुछ बिंदुओं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। लगता है कि जो हमारे सभी जो फार फ्लंग एरिया में या जहाँ दूर दराज से देश विदेश से लोग जो जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ लाभान्वित होंगे इससे। देखिए, जो बात राजीव सर ने कही वो बहुत सही है कि प्रौद्योगिकी जो है उसका बहुत बड़ा रोल हो गया है हमारे लिए, और वो हमें हर वक्त बदल रही है, चाहे मीडिया हाउस हो, चाहे छोटे मीडिया संस्थान हो, चाहे बड़े मीडिया संस्थान। पिछले कई दशकों का अगर हम अध्ययन करें तो प्रसारण में हमेशा बदलाव आते रहे हैं। अगर हम ट्रेन का सेटअप देखें तो ट्रेन जो पहले नैरो गेज होती थी वो अब ब्रॉड गेज हो गई, लेकिन प्रसारण में ये उलट हो गया है। अब ब्रॉड जो ब्रॉडकास्टिंग है, जो ब्रॉड शब्द है, वो अब नैरो तक पहुंचा है, और नैरो के बाद अब नैनो कास्टिंग तक भी पहुंच रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रसारण का जो भविष्य है वो भविष्य कहाँ तक जाएगा, हमें कहाँ तक ले जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो आज व्यावसायिकता की दौड़ है जो बदल रही है, और हर मीडिया हाउस अपने को तरह तरह के प्रयोगों से, तरह तरह के नवाचारों से बदल रहा है, डिजिटल वर्ल्ड में नए तरीके के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, प्रसारण की दुनिया बदल रही है, और आगे आने वाले नवाचार हमें कहाँ ले जाएंगे ये निश्चित रूप से देखना होगा हमें, और इस चीज को समझना भी होगा। अगर हम बहुत माइन्यूट इसको देखें तो जो हमारी प्रसारण टेक्नोलॉजी है, प्रसारण टेक्नोलॉजी और जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, अगर इसके रिलेशन को हम डिफाइन करें काफी हद तक, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी प्रसारण की जो दुनिया है वो किस तरह से और कैसे बदल रही है। लाइव स्ट्रीमिंग की बात अभी सर ने उठाई थी, लाइव स्ट्रीमिंग और टीवी प्रोग्राम्स, काफी कुछ नवाचार इसमें हो रहे हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग और टीवी प्रोग्राम्स के चलते ही जो हमारे साथ एक उपकरण आ गया है जिसको हम कहते हैं स्मार्टफोन, उसने हमारी जो है प्रसारण की पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। नई जो चीजें आई हैं 2023 में जिनका आगमन हुआ है, अभी वो भी राजीव सर ने बात की, मानव सर ने भी उस पर प्रकाश डाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित जो समाधान हमारे बीच में आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में बहुत सारे उसके खतरे भी लोग कह रहे हैं, बहुत सारे उसके लाभ भी हो रहे हैं, और जो लाभ हैं वो दिख रहे हैं, एजुकेशन में उसके लाभ किस तरह से हमको मिलेंगे आने वाले समय में, किस तरह से कंटेंट की डिलीवरी, किस तरह से जो भी सामग्री हम तैयार करेंगे वो किस तरह से डिलीवर होगी, ये आने वाले समय में और ईज होगा और इसकी सरलता होगी। अभी शुरुआत में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है उस तरह से हम अगर देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है बहुत सारे सकारात्मक बदलाव दिखेंगे। चिकित्सा है, जितना भी और भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और मेडिकल साइंस है, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, और एजुकेशन की फील्ड में जो एआई का हम दौर देख रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अभी मैं अपने विश्वविद्यालय में ही अपने कंप्यूटर के जो जानकार साथी हैं उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि हम लोग इतना बड़ा 200-250 पेज का प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, क्या हम इसको एआई पर ले जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ले जा सकते हैं, और ये अब जो जिस डिजिटल वर्ल्ड की हम बात करते हैं कि हम अब पीडीएफ देखते थे, उसको खोलते थे, उसका प्रिंट लेते थे, अब वो भी खत्म हो जाएगा। अब केवल हम एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे,
और उसमें हम केवल अपना कोर्स का नाम बोलेंगे कि मास्टर ऑफ जर्नलिज्म, पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, और हमारे सामने ये आई कि पूरी उसको स्टूडेंट तक डिलीवरी कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से उसको पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं। तो एआई जो है वो हमारी जो स्थितियां बन रही हैं उसमें जो है बहुत ही मतलब एक लेस टाइम में और बहुत ही मोर टास्क ओरिएंटेड जो चीज आई है वो एआई है, और इससे जो है प्रसारण के आने वाले समय में तरीकों में बदलाव होगा जो है। और जो नई तकनीकें हमारे बीच में आई हैं, जैसे एगमेंटेड रियलिटी एआर की बात हो रही है, एक्सटेंडेड रियलिटी की बात हो रही है, हम आप दर्शकों की डिमांड के हिसाब से करेंगे। दर्शक जो चीज हम जो डिमांड वो करेगा हम उसके हिसाब से कंटेंट तैयार करेंगे और हम उसको डिलीवर करेंगे। तो ये आने वाला समय जो एआर एक्सआर और वीआर का है ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है रियल वर्ल्ड में, कि डिजिटल कंटेंट जो है वो किस तरह से डिलीवर होगा, क्योंकि एक्सआर जो हमारे पास एक्सटेंडेड रियलिटी की जो बात हो रही है वो प्रसारण में इस तरह से कि भाई दर्शक उसमें डूब जाता है पूरी तरीके से, दर्शक को ये फील आता है कि हम कहां पर हैं और जो कुछ भी है वो हमारे साथ ही हो रहा है, हम ही उसमें पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। तो स्ट्रीमिंग जो सर्विसेज शुरू हुई और बीच में पेंडेमिक का दौर जो था उसमें एक तरीके का ये बूम आया और उसने पूरी पूरी प्रसारण की प्रक्रिया को बदल दिया है, पूरी तरीके से पैराडाइम शिफ्ट हमको देखने को मिला कि दो आ रहा है उसमें मैंने कही है उस टेस्ट को हम पहचान कर ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कंटेंट की डिलीवरी तभी हमारी अच्छी होगी जिस तरह से वो हमसे डिमांड करेगा और हम उसी तरह से चीजों को खपा पाएंगे, लोगों को दे पाएंगे। और सबसे बड़ा उसमें जो रोल होगा वो हमारी मोबाइल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का होगा, क्योंकि मोबाइल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, ना तो टीवी है, ना लैपटॉप है, ना डेस्कटॉप है, ना कोई चीज है, लेकिन हमारे पास है क्या, एक अदद स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के जरिए ही हम लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद लेंगे और हर जगह हमको वो कंटेंट अवेलेबल होगा जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं, जिसकी हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री हमको ये सूचनाएं दे, हमारा एंटरटेनमेंट करे। तो मोबाइल ओरिएंटेड कंटेंट की डिमांड बढ़ेगी, एनालिटिक्स और डेटा ड्रिवन जो इस तरह की स्ट्रेटेजीज हैं वो कंपनियां आगे आने वाले समय में बना रही हैं, उसका हमें फायदा मिलेगा। और एआर वीआर एक्सआर की जो हम बात कर चुके हैं ये पूरी तरीके से इस पूरे वर्ल्ड को बदलने का प्रयास करें। अब एयर में कंटेंट जो है, वॉल पे कंटेंट जो है हमको दिखेगा, हमारे पास एक टार्च नुमा चीज होगी बताएंगे हमें एक कंटेंट की, हम कहीं पर भी उसको पढ़ सकते हैं, हम कहीं पर भी उसको विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमें उपलब्ध होने वाली है और पूरी तरीके से ये इजाद करनी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री एक नए युग की ओर बढ़ रही है और आने वाले समय में जो भी कंटेंट हमको मिलेगा वो हमारे लिए निश्चित रूप से बदल रहा है, बदल रहा है, और उसी के हिसाब से बाजार की प्रतिस्पर्धा है। आने वाले समय में ये नए प्रतिमान जो है हम नए ब्रॉडकास्टिंग वर्ल्ड में निश्चित रूप से ले जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रॉडकास्टिंग से हम नैनो कास्टिंग की ओर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे सेक्टर डेवलप होंगे कि वो हमको हमारी डिमांड हमारी मांग के हिसाब से हमें कंटेंट उपलब्ध करा सकेंगे, और ये नई तकनीक एक नए युग में हमें निश्चित रूप से प्रवेश दिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सुनना चाहूँगा कि अभी आगे प्रवीण सर को, नवीन सर को भी, और बहुत अच्छा आयोजन रहा, जल्दी में
मुझसे जो कुछ थोड़ा बहुत हुआ मैंने तैयार किया और मैंने कहा कि मैं बिल्कुल सुनूंगा और जुड़ूंगा जो है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई डॉक्टर सुबोध, आपने भविष्य के उस प्रसारण माध्यमों की कल्पना की जहां दर्शकों की मांग या इच्छा के अनुरूप सामग्री परोसी जाएगी। और मुझे लगता है, मुझे पता नहीं आप सहमत होंगे या नहीं, खतरा वहीं से शुरू हो जाएगा जब दर्शक की मांग के अनुरूप सामग्री परोसी जाने लगी, तो क्या मीडिया अपने उस व्यापक राष्ट्र जो अभी राजीव जी कह रहे थे, सूचना शिक्षा मनोरंजन लोक हितकारी या जिसको आप पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर कहते हैं, उस भूमिका का क्या होगा? एक बीमार मानसिकता, मलेरिया का पेशेंट, उसको आप वो मांगे मिठाई और आप उसको मिठाई देंगे तो उसका क्या हाल होगा? तो खैर ये सब चुनौतियां हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, अब जो कंटेंट है वो दर्शकों की इच्छा के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। और कंपनीज तो जो जो जिस तरह का दौर आ गया है, जो आप कह रहे हैं कि जो AI है वो तो आपकी इच्छाओं को, आपकी अभिव्यक्तियों को, आपकी प्रवृत्तियों को, जो आपने एनालिटिक्स की बात की, उससे एनालिसिस कर रहा है और फिर वो जो उसके प्रोग्राम नियंत्रक हैं या जो प्रोड्यूसर से उन तक वो पहुंचा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको इस बाजार में टिकना है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे दौर में अधिकतम दर्शक को अपनी तरफ खींचने के लिए नानाविध तरह के जो प्रयास किए जाएंगे, तो उन प्रयासों के बीच में जो नवाचार की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये AI तो आपके, मतलब मुझे पता नहीं हमारे कितने मित्रों को ये जानकारी है, क्योंकि आज सुबह एक आयोजन था विश्वविद्यालय में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और भविष्य का मीडिया, तो उसको संबोधित करते हुए मैंने एक बात कही थी कि 23 मार्च 2023 को News GPT नाम से एक AI बेस्ड समाचार चैनल आ गया है, जो ये दावा कर रहा है कि हम पूर्वाग्रह से रहित समाचार देंगे, और उसका स्लोगन है शेयर द ट्रुथ। कोई उसमें कहीं किसी तरह का आप वो नहीं होगा, हम बात कर रहे हैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त, वो सफल होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है ना, क्योंकि हमें विचार भी कहीं ना कहीं चाहिए, अपनी महत्ता है। तो ये जो दौर है, मुझे लगता है कि इस पर जो हमारे समाज वैज्ञानिक हैं उन्हें शोध अनुसंधान करना पड़ेगा कि हम किस तरह की सोसाइटी लेकर के आ रहे हैं इस AI तकनीक के उपयोग के। हर तकनीक के दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, लेकिन आपने बहुत सूक्ष्मता से उन सारे परिवेश को समझकर एक कल्पना की है कि किस तरह से मोबाइल फ्रेंडली होते हुए हम उस पूरे प्रसारण की दुनिया में एक परिवर्तन देखेंगे, ब्रॉडकास्टिंग से नैनो कास्टिंग की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सारी चुनौतियां आने वाले दौर में हम सभी के सामने होंगी, और जिस तरह से सारा संसार बदल रहा है वो हमारे उन प्रवृत्तियों को भी बदल देगा। आइए अब हम फिर एक ऐसी शख्सियत के पास चलते हैं जिनका लंबा अनुभव इंडस्ट्री में भी रहा और अब ये इस तरह की एक नई पीढ़ी को तैयार करने में, विशेषकर जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है उसके लिए तैयार करने के लिए, रेडियो, टेलीविजन और फिल्म, इन तीनों के लिए, और मैं तो लगभग 2 दशक से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में इन्होंने जिस तरह से आयोजन किए थे वो अभी तक मेरे स्मृति पटल पर अंकित हैं। नवीन गौतम जी, नवीन गौतम जी का बहुत लंबा और गंभीर उन्होंने एक अध्ययन किया है इन सारे माध्यमों का। लगभग 2 दशक तक आप इंडस्ट्री से जुड़े रहे और टेलीविजन न्यूज शोज और डॉक्यूमेंट्रीज इनके निर्माण और उनके संपादन में आप बहुत सक्रिय रहे। कई जो हमारे देश के वेल नोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें भी एक फैकल्टी के रूप में आप जुड़े रहे, जैसा मैंने शुरू में कहा था। इस समय निजी क्षेत्र का दिल्ली का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है APJ इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो हमारे आजकल दिल्ली में ये जो रैंकिंग हो रही है विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से, इंडिया टुडे, आउटलुक आदि के माध्यम से, उस रैंकिंग में भी जहां तक मुझे याद है ये first 10 में इनका इंस्टीट्यूट आ रहा है। वहां अभी एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं और एक निजी विश्वविद्यालय से अपनी PhD की उपाधि के लिए भी आप रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारी वर्कशॉप इन्होंने की है, विशेषकर ग्राफिक्स और एनिमेशन इनको लेकर के, और मलेशिया की एक ओपन यूनिवर्सिटी है वहां भी आपने इन वर्कशॉप कंडक्ट करने का आपको अवसर मिला है। और जैसा मैंने कहा कि देश के अनेक अंचलों के जो शैक्षणिक संस्थान हैं
वहां पर आपने कार्यशालाएं आयोजित की हैं, और जयपुर में तो मेरे विश्वविद्यालय के साथ 2 दशक तक 3-3 दिन की हमने वर्कशॉप की है, और इन 3 दिन में सामान्य जो अपना एक कैमरा होता है उसके माध्यम से किस तरह से विद्यार्थी उन छोटे छोटे विषयों को उठा करके स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर के फिल्म बनाने तक की 3 दिन की वो ट्रेनिंग और वैलिडिटी में वो इतनी मेहनत करते थे उन बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, कि हम उस फिल्म को वैलिडिटी में दिखा भी देते थे। तो वो अपने आप की एक रोचक संस्मरण है, कभी समय मिला तो विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ऑनलाइन एडिटर के रूप में आपने लगभग 2500 लाइव शोज को से आप जुड़े रहे हैं, और 2 साल का आपने एडवांस डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया एंड वीडियो एडिटिंग का भी किया है, और एमए आपका मास कम्युनिकेशन में है, और FTII पुणे से आपने फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स भी है कंप्लीट किया है। मैं नवीन गौतम जी से अनुरोध करूंगा कि आपके इंडस्ट्री के और शैक्षणिक जीवन के जो ये अनुभव है प्रसारण के दुनिया के, और एक शिक्षक के रूप में, एक समाज के बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आप भविष्य की जो संभावनाएं देख रहे हैं, चूंकि युवाओं के साथ रहते हैं, उनके उन प्रवृत्तियों को आप देखते हैं किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के कई ऑनलाइन प्रोग्राम्स जिसमें आपने जो वेब सीरीज है इनके कलाकारों को बुलाया था उनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके विद्यार्थी इस तरह की वेब सीरीज जैसी जो OTT प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रही है उनसे भी जुड़े हुए हैं, तो आप उस पूरे परिदृश्य को बहुत निकटता से देख रहे हैं, तो आपको कैसा क्या लगता है, आइए हमारे साथ अपने अनुभव बांटिए। भाई नवीन गौतम जी, धन्यवाद सर। पहले मैं सर एक बात बोलना चाहूंगा कि आपका जो इंट्रोडक्शन होता है अपने आप में ही वो इतना सुंदर और इतना बढ़िया होता है कि वो सारे टॉपिक्स जो इस कार्यशाला के हैं लगता है शायद वो आप कवर कर गए। तो जब आप शुरू में इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो आपने वो न्यूज बॉट की बात करी और आपने AI बेस्ड न्यूज एंकर्स की बात करी, तो वो अभी बहुत पुरानी बात हो गई है। तो बट अभी ये है कि कैसे इन सब चीजों को, नई टेक्नोलॉजी को हम अपने कार्य में ला सकते हैं। तो मैं आपसे सर परमिशन चाहूंगा कि हम अपना स्क्रीन दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं सर आपको पता है शुरू से विजुअल मीडियम से रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं जो भी बात करूं उसके लिए मेरे पास तथ्य हो, उसके लिए मेरे पास फैक्ट्स हो, उसके लिए मेरे पास टूल्स हो। तो और पिछले 5 साल से और पिछले कुछ 1.5 साल से ये जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे मैं काफी अध्ययन कर रहा हूँ, और आप मानेंगे नहीं कि मैंने जो पाया कि ये इतना बदलाव हो रहा है इसमें, इतना बदलाव हो रहा है कि जो चीज अगर हम आज प्लान कर लें, जो चीज आप आज देख लें, हो सकता है 4 दिन बाद वो बदल जाए। सो जो ChatGPT है जो इतना पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, जो अभी 3.5 था, तो 3.5 जो ChatGPT है उसमें आप PhD थीसिस नहीं लिख पा रहे थे, पर जो PhD 4.0 है उसमें आप पूरी PhD लिख सकते हैं। बट यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं बता दूं ऐसे टूल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे अगर आप ChatGPT माध्यम से PPT या अपनी PhD थीसिस लिखते हैं तो आप पकड़े भी जा सकते हैं। तो जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका जो जो मकसद था वो था ह्यूमननेस, मानव रहित, ठीक है। तो काफी हद तक वो ह्यूमननेस तो हो गया, बट वो जो मानवीय टच होता है, मानवीय टच शायद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला पाए या ना ला पाए, इसको देखने में अभी भी बहुत समय बाकी है। तो मैं अपना एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया था, सर आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर विजिबल सर, थैंक यू सर। सो जैसे ही टॉपिक है न्यू एयर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, इसके लिए एक बहुत बढ़िया एक कोट है कि टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस ग्रेट टीचर्स बट टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ ग्रेट टीचर्स कैन बी ट्रांसफॉर्मेबल, राइट। और शुरू से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा एड है जो अभी रिसेंटली कोक ने बनाया है, जो एड की परिकल्पना, उस कैरेक्ट के कैरेक्टर्स, उस एड का म्यूजिक और उस एड की कास्टिंग सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की गई। मैं आपको वो एड दिखाता हूं।
सर ऑडियो इज मिसिंग। स्टिल कांट हियर द ऑडियो। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा ऐड है, इस ऐड का पूरा जो प्रसारण है, जो पूरा इस ऐड को बनाया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया है। और अभी आपको मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, काफी ज्यादा हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं बताऊंगा कैसे वो जर्नलिस्ट को सपोर्ट कर रहा है और कैसे वो फिल्म मेकर्स को सपोर्ट कर रहा है। जैसे मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें बार्ट करके एक टेक्नोलॉजी है, बार्ट करके एक प्लेटफॉर्म है, मैं आशा करता हूँ आप सबने सुना हो, ये एक गूगल का प्लेटफॉर्म है। और जो गूगल का ये प्लेटफॉर्म है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बीइंग अ फिल्म मेकर, भरावत सर को पता है, जब हम स्टूडेंट्स के साथ तीनों फिल्म मेकिंग डिस्कस करते थे तो हमको एक पूरा दिन लग जाया करता था कि एक फिल्म को हम आइडिएट कर लें। तो एक ये प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट कुछ नहीं है, प्रॉम्प्ट एक कमांड है जो हम देते हैं किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप को। तो ये एक मैंने टास्क एक प्रॉम्प्ट रख के रखा है, आई एम अ फिल्म मेकर and planning a short film on school dropouts for 90 seconds. Please ideate a unique story, generate characters, storyboard and screenplay. ये मेरा टास्क है जिसके लिए अगर मैं मैनुअली करने जाऊं तो करीबन करीबन मुझे पूरा दिन लगेगा रिसर्च करने में, टॉपिक ढूंढने में, लोगों से बात करने में, स्क्रीन प्ले बनाने में, आइडिएट करने में, स्टोरी बोर्ड बनाने में, स्क्रीन प्ले बनाने में। पर ये एक कमांड, एक प्रॉम्प्ट अगर मैं यहाँ पर देता हूं, आप देख लीजिए, मैंने लिखा आई एम फिल्म मेकर एंड प्लानिंग अ शॉर्ट फिल्म ऑन स्कूल ड्रॉपआउट्स फॉर 90 सेकंड्स, प्लीज आइडिएट अ यूनिक स्टोरी, जनरेट कैरेक्टर, स्टोरी बोर्ड एंड स्क्रीन प्ले। आप देखिए ये जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप है, इसने एक स्टोरी दी, इसने कैरेक्टर्स बिल्ड करे, इसने स्टोरी बोर्ड का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, इसने पूरा स्क्रीन प्ले लिख दिया। राइट, आप लोग देख रहे हैं कि एक माध्यम, एक ऐप के माध्यम से कैसे हमने एक पूरी फिल्म की कहानी बना डाली। बट जैसे मैंने शुरू में बोला था कि ह्यूमननेस, ये स्क्रिप्ट बना सकता है, ये स्टोरी बोर्ड बना सकता है, बट क्या इसमें वो इमोशंस हैं उस फिल्म में, क्या इस फिल्म में वो सारी बातें हैं जो एक फिल्म मेकर जब फिल्म कंसीव करता है वो चाहता है कि इमोशनली मेरा जो ऑडियंस है वो क्या लेके जाए। राइट, वो हमको देखना है। बट जो हमारा बेसिक काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कर दिया। अब सोचिए, मेरे बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे अमर कौशिक हैं, अमर कौशिक जो है वो मुंबई में है, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी स्त्री, ओ स्त्री का लाना यहाँ कोई रहता नहीं। फिर उन्होंने एक फिल्म बाला बनाई जो एक गंजे व्यक्ति पे थी, ऑफकोर्स मेरे ऊपर नहीं थी, वो उनकी अपनी खुद की कहानी थी। उसके बाद उन्होंने भी रिसेंटली एक और फिल्म बनाई भेड़िया। राइट, जब मैंने उनसे बात करी कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म मेकिंग में, फिल्म वर्ल्ड में कैसे योगदान दे रहा है, तो उन्होंने बोला कोई माने या ना माने, ठीक है, पर सब लोग जो है इस टूल को इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। राइट, पर जरूरी क्या है, जरूरी है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो। आपको मैं वापस से दिखाना चाहता हूँ कि मैंने लिखा क्या था। मैंने लिखा था आई एम अ फिल्म मेकर एंड प्लानिंग अ शॉर्ट फिल्म ऑन स्कूल ड्रॉपआउट्स। तो मैंने उसको एक प्रिमाइस दिया था,
फिल्म मेकिंग में प्रिमाइस क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब मैं फिल्म मेकिंग पढ़ रहा था तो हमारी मुलाकात रमेश सिप्पी से हुई। तो रमेश सिप्पी को किसी विद्यार्थी ने पूछा कि भाई शोले आपने बनाई, शोले का इतना बड़ा परिदृश्य था, इतने सारे कैरेक्टर्स थे, इतना कुछ था, बट अगर आपको एक वाक्य में शोले को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करोगे? तो उन्होंने जो शोले को डिस्क्राइब करा, उन्होंने बोला था, कैच द थीफ, सेट द थीफ टू कैच द थीफ, सेट द थीफ टू कैच द थीफ, कि चोर को पकड़ने के लिए चोर को लगाना है, ये मेरी कहानी थी। तो उनके पास प्रिमाइस बड़ा क्लियर था। तो जब हम फिल्म मेकिंग बनाते हैं तो उन लोगों को पता होगा प्रिमाइस कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने वो प्रिमाइस दे दिया था, क्योंकि एजुकेशन पे अगर मैं फिल्म बनाने को दूंगा तो शायद वो 90 सेकंड्स में नहीं बना पाएगा। उसके साथ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने दी, मैंने ड्यूरेशन दी, राइट। उसके बाद एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो मैंने अपने प्रॉम्प्ट्स में दी, वो थी शॉर्ट फिल्म, छोटी कहानी, स्कूल ड्रॉपआउट्स, 90 सेकंड्स, यूनिक स्टोरी, जनरेट कैरेक्टर्स, स्टोरी बोर्ड एंड स्क्रीन प्ले, राइट। तो जैसे कि बोला जा रहा था कि नौकरियों को खतरा होगा, राइट, ये एक टूल है जो हमको मदद जरूर करेगा और कर भी रहा है, राइट। और अगर हमारे पास ज्यादा समय होता तो मैं आपको दिखाता कि इस बार हमने एक स्टूडेंट फिल्म बनाई है ऑन ड्रग अब्यूज, जो पूरी की पूरी कहानी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी फ्री ऐप बार्ट से यूज करके बनाई गई है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। बनावत सर के साथ बाद में उसका जो है लिंक भेज दूंगा, आप सब लोग देख सकते हैं उसकी कहानी, पूरी कहानी। हमने बताया था कि वी वांटेड टू मेक अ शॉर्ट फिल्म ऑन ड्रग अब्यूज एंड इट शुड बी अ स्टोरी ऑफ अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। तो हम जो लिख रहे हैं, हम जो उसको करने के लिए बोल रहे हैं, उसको क्या आदेश दे रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, एआई आर्टिकल, वर्ल्ड सोनिक, राइट। सो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने इसको टॉपिक दिया G20 समिट, और मैंने कीवर्ड्स दिया पीएम मोदी, सिक्योरिटी, एडवांटेज, और यहां पर मैंने ये नेक्स्ट करा। मान लीजिए मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मुझे G20 पर एक स्टोरी करनी है, तो मैंने ये कुछ कीवर्ड्स दिए, टॉपिक मैंने दे दिया। अब मैं यहां पर नेक्स्ट करता हूं, तो आप देखिए मेरे को अनवीलिंग द की हाइलाइट्स ऑफ द G20 समिट, हाउ मोदी विजन शेप्ड इंडिया पार्टिसिपेशन। अब मुझे इसमें से कौन सा सेक्शन लेना है, मुझे ये वाला सेक्शन लेना है तो मैं ये वाला सेक्शन लेता हूं और मैं जनरेट आर्टिकल करता हूं। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रहा है नवीन जी, दिख रहा है जी सर। देखिए ये एक पूरी स्टोरी जो है, जो वर्ड सोनिक है, इस ऐप ने मेरे को पूरी बना के दे दी। मैंने दिया क्या था, सिर्फ 3-4 कीवर्ड्स दिए थे। अब ये जर्नलिस्ट के ऊपर है कि उसको ये स्टोरी कैसे यूज करनी है, राइट। उसको ये न्यूज पैकेज की तरह कैसे यूज करनी है, उसको ये सोशल मीडिया के लिए यूज करनी है, उसको ये प्रिंट के लिए यूज करनी है। तो मैं बार बार से बोल रहा हूँ कि ह्यूमननेस, मानव रहित नहीं, मानवीय टच, इस एप्लीकेशन को भी मानवीय टच की बड़ी जरूरत है। इस तरीके से ये जो बार्ड है, AI है, ये हमको बहुत हेल्प कर रहा है। वर्ड सोनिक मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। और आप सोच के चलिए कि ये हम कहाँ पर हैं अभी, हम हमारा एक जनरेशनल शिफ्ट है। अभी जो ऑडियंस है उसको हम नाम देते हैं, राइट। मेरा बेटा मुझे बूमर बुलाता है,
मैं अपने बेटे को जेन जी बुलाता हूँ, ठीक है, मिलेनियल्स हैं और वी आर ऑल कंज्यूमिंग डेटा, हम कैसे डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैंने इस ऑडियंस को मैंने एक नाम दिया है, इस ऑडियंस को मैंने एक नाम दिया है, उस ऑडियंस का नाम है BWB, जिसका फुल फॉर्म है बिजी विदाउट बिजनेस। BWB, बिजी विदाउट बिजनेस। तो हम जिस ऑडियंस से आजकल इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस ऑडियंस को आजकल हम कंटेंट दिखा रहे हैं, जिस ऑडियंस के साथ हम, एक टर्म है OTT प्लेटफॉर्म में जो बड़ा पॉपुलर है कॉल्ड ऑडियंस एंगेजमेंट, हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट? तो हम उस ऑडियंस के साथ डील कर रहे हैं। तो जब आप उस ऑडियंस के साथ डील करते हो तो काफी सारी चीजें हैं विजुअल कम्युनिकेशन में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, जैसे कि एक थंबनेल, कि उस कंटेंट के लिए जो थंबनेल मैंने दिया है वो कितना अट्रैक्टिव है, क्या वो थंबनेल उसकी वो चलती हुई फिंगर्स को रोकने के लायक, मतलब रोकने के लिए बाध्य करता है उसको, राइट? तभी तो वो कंटेंट देखेगा। तो उस तरीके की ऑडियंस से हम काम कर रहे हैं, जिसके पास कोई काम नहीं है, वॉशरूम में बैठा है, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो अकेला है, बट ही इज बिजी, ही और शी इज बिजी, राइट? तो हम उस ऑडियंस के साथ बात करो। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। हम आज से 5 साल बाद पहले बात करा करते थे कि डिजिटल विल बी फ्यूचर। नाउ वी आर राइट देयर, नाउ डिजिटल इज एक्सपेंडिंग और इट्स स्पेंडिंग लाइक एनीथिंग, राइट? अभी आप देखिए कि आज से पहले हमने बात करी थी ChatGPT की। ChatGPT आया, वो आपसे 400 रुपए 500 रुपए लेके मंथली सर्विस दे रहा है। गूगल जो है, अगर आप गूगल को अभी सर्च करने जाएंगे तो आप देखेंगे गूगल सर्च जब आप करेंगे तो कॉर्नर में एक गूगल लाइब्रेरी आता है। तो अगर आप सर्च भी कर रहे हैं गूगल में कुछ, तो आप की जो इंटेलिजेंस है वो आप साइड में रखिए, यू यूज द गूगल इंटेलिजेंस। गूगल आपको सर्च करके देगा आपको क्या चाहिए, राइट? बट आई एम अगेन सेइंग, राइट, हम लोग जो है वो ह्यूमननेस की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ह्यूमननेस है बट ये विजुअल कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप AI को बड़े अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। बट विजुअल कम्युनिकेशन में काफी चीजों की जरूरत होती है। पहली चीजों की जरूरत होती है टू हूम आई एम स्पीकिंग टू, मैं बात किससे कर रहा हूँ। दूसरी जरूरत है कि जब मैं मैसेज दूं तो क्या मेरा मैसेज इफेक्टिव है। तीसरी जरूरत होती है कि जब मैं मैसेज दे रहा हूं तो क्या मेरा मैसेज सिंपल है, क्योंकि लोगों को सिंपल चीजें ज्यादा इफेक्टिव लगती हैं, राइट? दूसरा, अगर मेरा मैसेज कोई बड़े टॉपिक के लिए है तो क्या वो टाइमलेस है या नहीं, क्या वो मैसेज मुझे आज दिया तो कल खराब हो जाएगा, क्या मुझे फिर तीसरे दिन दोबारा नया मैसेज बनाना है। तो जो नई ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी है वो सब इनके सवाल ढूंढ रही है, और उसके ढूंढने के लिए हमारे पास काफी सारे टूल्स हैं। मैं वापस से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण देता हूं कि बाढ़ में ही यहाँ पर पुरानी मेरी सर्चेस भी रहे, तो हमारा एक पेपर था OTT मैनेजमेंट। तो OTT मैनेजमेंट पर अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेबस बनाने में उस तरीके से नाकाम रही कि भाई OTT मैनेजमेंट पे एक सिलेबस बनना चाहिए, या OTT मैनेजमेंट का अगर सिलेबस हो तो क्या होना चाहिए, OTT मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो तो क्या होना चाहिए। बिकॉज अगर हम न्यू एयर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं तो OTT अभी कोई पढ़ा ही नहीं रहा। तो हमने एक एक एक, एक मुहिम छेड़ी कि हम क्यों ना पढ़ाएं। बट हम जब पढ़ाने जा रहे थे, जब हम गूगल पर सर्च कर रहे थे, जब हम ChatGPT पे भी जा रहे थे, तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम OTT का सिलेबस कैसे बनाएं। तो आप देखिए, मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था, हाई आई एम ए प्रोफेसर टीचिंग ब्रॉडकास्ट मीडिया एंड मीडिया टेक्नोलॉजी, आई एम प्रिपेयरिंग ए PPT फॉर न्यू ब्रॉडकास्ट। ये तो मैंने इसके लिए दिया था, इस वर्कशॉप के लिए, हालांकि मैंने इसको यूज नहीं करा। ये देखिए, ये OTT का मैंने इससे सिलेबस बनवाया था। हेलो, आई एम अ टीचर एंड डिजाइन द करिकुलम फॉर ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म, नीड 4 मॉड्यूल्स विच कैन कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ OTT प्लेटफॉर्म लाइक कॉन्टेंट, कॉन्टेंट मैनेजमेंट, AI इन OTT प्लेटफॉर्म्स, मार्केटिंग ऑफ OTT एप्स एंड मार्केटिंग कॉन्टेंट। आप देखिए, इसने मुझे ये सिलेबस बना के दिया। दिस इज ऑल न्यू एयर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, राइट? टाइप्स ऑफ OTT कॉन्टेंट। अगर हम OTT कॉन्टेंट की बात करते हैं तो आप लोगों को शायद पता नहीं इस बात का एहसास है, नहीं एहसास है, मेरे बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जो OTT प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म में जो राइवलरी है
वो राइवलरी अभी किसी भी फील्ड में नहीं है। सिनेमा में वो राइवलरी कभी नहीं देखी गई, रेडियो में, टेलीविजन में वो राइवलरी कभी नहीं देखी गई। अगर राइवलरी देखी गई है तो भाई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसको मिलने चाहिए क्रिकेट वर्ल्ड कप के, तो वो राइवलरी थी, राइट। सिनेमा में एक समय पर राइवलरी होती थी कि भाई एक दो हीरो एक साथ फिल्म रिलीज करते थे, बट ओटीटी की जो कंटेंट राइवलरी है वो आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स के पास एक सीरीज है सेक्रेड गेम्स जो बहुत पॉपुलर है, तो उस वो कंटेंट राइवलरी, अमेज़न प्राइम जो दूसरा बहुत बड़ा प्लेयर है, राइट, तो उसको उसके जवाब में एक सीरीज बनानी पड़ी, उसको डायरेक्टर्स को बोलना पड़ा कि मुझे इसका जवाब चाहिए, उसका जवाब आया मिर्जापुर। तो ओटीटी नेटफ्लिक्स ने बनाया सेक्रेड गेम, मिर्जापुर ले लिया अमेज़न ने। अब और भी बड़े सारे प्लेयर थे, जैसे एमएक्स प्लेयर है, एमएक्स प्लेयर एक छोटा प्लेयर माना जाता है इन कंपैरिजन टू नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न। उन्होंने कहा हम रक्तांचल लेकर आते हैं, तो ये बड़ा नया टर्म है, यू नो कॉन्टेंट राइवलरी जो आया है, जो उत्पन्न हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म से। सर मैं बस ये जानना चाहता हूँ मैं कितनी देर और बोल सकता हूँ। मेरे ख्याल सभी को इंटरेस्ट आ रहा है, आप देख लीजिए अपने संतुष्टि के स्तर तक आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानना चाहूंगा बीच में अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे लगेगा प्रश्न मेरे ख्याल नवीन जी लास्ट में ले लो, तो उलझ जाएंगे प्रश्नों में अपन। ठीक है सर, वापस से मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ फटाफट में, क्योंकि लगता है काफी लोगों का चाय का समय भी हो रहा हूँ और हो रहा होगा, तो मैं फटाफट इसको खत्म करता हूँ। तो मैं अपनी पीपीटी पर जाता हूँ। तो ये शिफ्ट जो है, जैसे मैंने बोला कंटेंट राइवलरी एक नया टर्म है और ये टर्म आया है ये ऑडियंस की वजह से, क्योंकि अभी की जो ऑडियंस है, मैं इसको फुल स्क्रीन नहीं कर रहा हूँ, आशा करता हूँ सबको दिख रहा हो। आप एक बात ध्यान देंगे, आप सब लोग बात ध्यान देंगे कि ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नहीं बनाई, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं बनाई, ये मैंने एक फ्री सॉफ्टवेयर है कैनवा उसमें बनाई, राइट। तो आप मान के चल सकते हैं कि ये है नया यू नो एरा ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, नया एरा ऑफ यू नो ब्रॉडकास्टिंग, राइट। तो आजकल पीपीटीज आप इसमें अपने लेटर हेड्स बना सकते हैं, आप इसमें अपना साउंड क्रिएट कर सकते हैं। अगर कभी समय मिला मैं बनावत सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक फिल्म बनाई है, जो फिल्म हमने आइडिएट करी थी थ्रू AI, उस फिल्म का म्यूजिक भी हमने जो है वो ChatGPT से बनाया है, वो पूरी फिल्म हमने उसको अपलोड करी थी, हमने उसको इमोशंस टैग करे थे और इमोशंस के हिसाब से उसको बोला था इसका म्यूजिक डिजाइन करके दे, राइट। सो जो फ्यूचर है वॉइस कंट्रोल डिवाइस का, राइट। हम सब लोग जानते हैं आजकल यू नो जो घर है वो एलेक्सा होम है, आप टेलीविजन से बात कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से बात कर सकते हैं, अपने मोबाइल को आप कमांड दे सकते हैं, राइट। तो जो वॉइस कंट्रोल डिवाइसेस हैं ये फर्दर और राइज करेंगी। उसके बाद है नेक्स्ट जेन टीवी, जिसको ATC 3.0 टेक्नोलॉजी बोला गया है, जो एंटीना बेस्ड टीवी सिस्टम है। पहले आपके घर के ऊपर एंटीने लगते थे जब टीवी स्टार्ट हुआ था, जब टेलीविजन स्टार्ट हुआ था, अभी आपके टेलीविजन में एंटीना होगा, आपके टेलीविजन में इंटरनेट होगा, और वह समय दूर नहीं, आज से 6 महीने लगा के चलिए। इस टेक्नोलॉजी पे बहुत जोरों शोरों से काम हो रहा है। अगर आपको मौका मिले तो अभी आप आइए दिल्ली के प्रगति मैदान में, वहां पर मीडिया एक्सपो चल रहा है, राइट। तो मीडिया एक्सपो में मैं गया, वहां पर मेरे को ये टेक्नोलॉजी दिखी, वहां पर मुझे वो टीवी दिखा, तो मैंने आज की प्रेजेंटेशन में डाल दिया कि अब जो टेलीविजन सेट आने वाले हैं वो स्मार्ट नहीं होंगे, वो ओवर स्मार्ट होंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी, जिस तरीके से हम फिल्में देखते हैं, आप अभी थोड़े दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी ओपनहाइमर, आप पता नहीं काफी लोगों ने देखी है काफी लोगों ने नहीं देखी है, तो वो IMAX में रिलीज हुई थी। बट जो ऑगमेंटेड रियलिटी ग्राफिक्स हैं, राइट, उसका एक एग्जांपल है कि आने वाली जो ऑडियंस है वो कैसे फिल्मों को, टेलीविजन प्रोग्राम्स को देखेगी। क्योंकि यू नो जैसे शुरू में हमने बात करी थी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और टेलीविजन बहुत स्ट्रगल कर रहा है, टेलीविजन जो है वो लड़ रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म से, डिजिटल मीडिया से। टेलीविजन की जो रेटिंग्स हैं अभी हाई होती हैं, आज शायद हाई हो, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश चल रहा है, इतवार को शायद और ज्यादा हाई होती इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अगर हो पाता तो वहां पर उनको रेटिंग्स मिलती, अदरवाइज दे आर यू नो स्ट्रगलिंग टू गेट द रेटिंग्स, बट वो भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो मैं दिखाता हूं कि अभी जो आने वाली व्यूइंग है वो कैसे होने वाली है हमारे लिए।
There is no voice, sir. That is the cause. सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यू नो न्यू एरा ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. तो अभी 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 मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में हम ऐसे देख पाएंगे. आज की तारीख में भी आप जाइए, बड़े सस्ते एआर वीआर इक्विपमेंट्स मिलते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में. और आप देखिए जो सिनेमा है पठान जो है वो इमर्सिव स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, तो पठान को लोगों ने सच में ऐसा देखा है. दूसरा जो पैराडाइम शिफ्ट है जो ब्रॉडकास्टिंग एरा में आया कि पहले हम बात करते थे बैकपैक जर्नलिज्म, जहाँ पर एक जर्नलिस्ट के पास बैग होगा, जिसके पास लैपटॉप होगा, जिसके पास कैमरा होगा, वो कैमरा लगाएगा, शूट करेगा, एडिट करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा. उसके बाद हमने बोला मोजो, मोजो होगा मोबाइल जर्नलिज्म की मोबाइल से हम सब कर देंगे. अब ये टर्म धीरे धीरे बदलती जा रही है, धीरे धीरे मैंने शायद गलत बोलते बहुत तेजी से बदल रही है. अभी ये हो जाएगा मोजोफी, मोबाइल जर्नलिज्म एंड फिल्म मेकिंग, राइट. सो और ये हो जाएगा या हो गया है शायद हमको पता भी ना, और हो गया है एक्चुअली. उसके बाद हम सब ने बात करी ओटीटी की, मैंने कंटेंट राइवलरी की बात करी, मैंने ऑडियंस एंगेजमेंट की बात करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में दिखता है कि आपको कौन सा कंटेंट देखना है. अगर आपने एक सीरीज देख ली, फॉर एग्जांपल आपने मनी हाइस्ट देख लिया जो एक स्पेनिश सीरीज है, तो अगर क्योंकि आपने वो सीरीज देखी, उस सीरीज के आपने 5 पार्ट देखे, तो वो ओटीटी ऐप को पता लग जाता है कि आप इस तरीके के कंटेंट को देखने के आदी हैं. तो वो जो एआई टूल है उनका, वो बार बार आपको उसी तरीके के कंटेंट को दिखाने के लिए सजेस्ट करता है. तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बढ़ चुकी है. वर्चुअल क्लाउड टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, वर्चुअल क्लाउड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एग्जांपल है. ये जो पीपीटी है ये मैंने किसी सॉफ्टवेयर में नहीं बनाई है, मैंने एक वर्चुअल क्लाउड टेक्नोलॉजी में बनाई है विच इज कॉल्ड कैनवा. और खास तौर पे इसलिए बनाई है, अब उम्मन पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाता हूँ, राइट. बट चूंकि न्यू एरा ऑफ ब्रॉडकास्टिंग था, तो मुझे लगा अगर न्यू एरा ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है तो मुझे न्यू एरा ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ही यूज करना चाहिए. तो थैंक यू सो मच. ये मेरा ईमेल आईडी है ngautam.aimc@apj.edu. अगर आप किसी को भी कुछ प्रश्न अगर यहाँ रह जाए बाद में पूछने हो, तो आप मुझे ईमेल के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं. नवीन जी चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए अपना ईमेल. जी सर, नहीं, बहुत बहुत आभार. आपने बहुत ही व्यावहारिक तरीके से हमारा साक्षात्कार कराया भविष्य की दुनिया का. जब आप बात कर रहे थे और आपने जिस तरह के ये प्रयोग किए कि किस तरह से हम टाइप करेंगे और सारी चीज आ जाएगी, तो मुझे एक बार लगने लगा कि आज का व्याख्यान भी तो कहीं आपने उस सिस्टम से तैयार नहीं किया. लेकिन बाद में उस सर मैंने कोशिश की बट चूंकि एक्चुअली क्या होता है कि आपके जो पर्सनल अनुभव है, पर्सनल अनुभव अगर आप शेयर करें तो लोगों को ज्यादा समझ में आता है और हमें भी समझाने में ज्यादा समझ में आता है. तो मैंने अपने पर्सनल अनुभव जो देखे हैं, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसा कि मैंने बोला, ये इतना तेजी से बदल रहा है कि चैट 3.4 जीपीटी था वो, अभी अगर आप उसमें काम करेंगे तो आप ऑब्सोलीट हैं, आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. खबरों में सर एक न्यूज की परिभाषा थी कि न्यूज इज पेरिशेबल, खबर मर जाती है. सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा, G20 के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा. तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी पेरिशेबल हो गई है, कि एक टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से दूसरी टेक्नोलॉजी को ओवरटेक कर रही है कि पहली टेक्नोलॉजी लोग भूल जाते हैं. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं अक्सर कहता हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण है व्यावहारिक जीवन का, कि हमने आज मोबाइल खरीदा और कल हमको लगता है कि तो एब्सोल्यूट हो गया. एक दिन वेट करते तो नई तकनीक से जुड़ा हुआ हमको मोबाइल मिल जाता. तो ये तकनीक का जो परिवर्तन है वो तो बहुत तेजी से हो रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है. लेकिन आपने बहुत ही व्यावहारिक तरीके से जिस तरह से उस दुनिया से हमारा साक्षात्कार कराया, वो अपने आप में बहुत रोमांचक दुनिया है. सुरेंद्र सिंह अघाना जो अभी रामपुर में है, वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं. हाँ सुरेंद्र जी, पहले अपना मोबाइल, अपना वीडियो ऑन कीजिए, अपना परिचय दीजिए और फिर सवाल पूछिए. नमस्कार सर,
सर मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे दूरदर्शन है और अलग अलग राज्यों के अलग अलग चैनल्स हैं, और हम देखते हैं कि हमारा जो अधिकांश टीवी है वो या तो केबल से जुड़ा हुआ है या डीटीएच के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और हाल फिलहाल में एक नई तकनीकी आई है स्मार्ट टीवी, तो उसमें ओटीटी वगैरह का ज्यादा लोग बाग जो पसंद करते हैं उससे जुड़ जाते हैं। मेरे यहाँ पे सवाल ये है कि भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है कि वो टेलीविजन के महंगे महंगे जो रिचार्ज है उनको नहीं करा पाती है, तो ऐसे में जो केबल से जुड़ा हुआ है या फिर कोई डीटीएच के माध्यम से जुड़ा हुआ है और वो अपने टीवी को रिचार्ज करने में सामर्थ्य नहीं रखता है, तो ऐसे में क्या सरकार को नहीं करना चाहिए कुछ चैनल ऐसे हो जो उस पे प्रसारित किए जाएं, फ्री प्रसारित किए जाएं और जो बेसिक सूचनाएं हैं वो लोगों को मिल सके। देखिए सूचनाओं की बात मैं बताऊं आपको, दूरदर्शन तो फ्री टू एयर चैनल है, बाकी अगर मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करूं, अगर आप उनपे भी जाएंगे तो उसपे भी बहुत सारा फ्री कंटेंट है। आप हॉटस्टार पे जाइए आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट देखने को मिलेगा, आप जाइए नेटफ्लिक्स पे फ्री कंटेंट है। तो फ्री कंटेंट हम सबको पता है भाई कि हमारा जो देश है वो विविधता वाला देश है, हमारे देश में हर कदम पे बोली बदलती है, हर कदम पे इंटरनेट की स्पीड बदल जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वो जो क्वालिटी होती है आप उसको भी ठीक ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप हाई डेफिनेशन में नहीं देखना चाहते तो आप लो डेफिनेशन में देख लीजिए, तो वो उस तरीके की सारी जो आपके जो उत्तर है प्रश्न है उनके उत्तर ये सब है। तो आप जाके देखिए जियो तो देखिए, आजकल तो हॉटस्टार ने आप देखिए इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फ्री स्ट्रीमिंग है। नहीं सर मेरा एक बेसिक सवाल था कि जैसे कि अधिकांश लोग ऐसे भी नहीं है कि वो मतलब सभी लोग मोबाइल से ऐसे जुड़े हुए हों, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या या तो केबल से कनेक्ट है उसका टीवी या फिर वो डीटीएच के माध्यम से लगा हुआ है। आप कहाँ रहते हैं? सर मेरठ में रहता हूँ मैं। मेरठ में आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है? नहीं, अधिकांश लोगों के हाथ में सर स्मार्टफोन है अब तो। हाँ है ना, आपका आप अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे रहे हैं, जब अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन है तो अधिकांश लोग इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कर रहे हैं। जी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं जो मैंने उदाहरण दिया मिर्जापुर, मिर्जापुर का अगर आप कंटेंट देखो तो भाई जब हम फिल्म कुछ जैसे मैंने आपको बोला था तो एक प्रश्न की हम किससे बात कर रहे हैं, टू इंडिया स्पीकिंग टू, राइट। तो जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं तो मुझे पता है ये कंटेंट कौन देखेगा। मेरे मिर्जापुर जो है वो किसी ने फाइव स्टार होटल में बैठ के नहीं देखा होगा, मिर्जापुर मेरठ के लोगों ने देखा होगा जी, राइट। अगर आप उसका एनालिटिक्स देखेंगे, राइट, बड़े सारे एनालिटिकल टूल्स हैं, अगर आप उसका एनालिटिक्स देखेंगे कि भाई कौन सा कंटेंट कहाँ कंज्यूम हुआ, ये टूल्स अवेलेबल हैं, राइट, कहाँ पेनिट्रेशन हुआ उस कंटेंट का। जी जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज से, लेकिन मैं एक बेसिक से ये चीज जानना चाहता हूँ, क्या सरकार मतलब दो चैनल, मतलब जैसे हम पहले जुड़ जाते थे एंटीना को घुमाते थे और उसमें दो चैनल तीन चैनल, फिर मेट्रो आ गया उसमें बाद में मनोरंजन के बहुत सारे धारावाहिक थे उसमें तो ऐसे जुड़ जाते थे, तो यदि टेलीविजन रिचार्ज नहीं है डीटीएच लोगों से ज्यादातर अब जुड़े हुए हैं तो क्या दो चैनल सरकार मतलब देने में मतलब इसमें मुझे लगती है क्या बात देता है कि कम से कम दूरदर्शन ये और डीडी न्यूज तो कम से कम प्रसारित किया जा सकता है। आप देखिए मैं आपका मतलब समाप्त कर देता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर कि भाई सरकार ने इतना अच्छा कार्य कर दिया कि अब आपको एंटीना घुमाना नहीं पड़ता, राइट। सरकार ने इतना अच्छा कार्य कर दिया कि आपको डीटी डिश टीवी पर वो जो भी सरकार की वो जो डिवाइस है उस पर आपको बहुत सारे फ्री टू एयर चैनल देख सकते हैं, सिर्फ दो नहीं बहुत सारे, बहुत सारे। जी जी रेडियो भी है उस पे, रेडियो के भी चैनल्स हैं, भी देख सकते हैं, इंटरेक्टिव प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं, तो सरकार तो अपना पूरा काम कर रही है। जी नवीन अपने मोबाइल में यदि आप न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कर लेंगे। सर वो मेरे मोबाइल में था लेकिन अब नए डिवाइस जो आए हैं, मेरा मोबाइल क्योंकि चोरी हो गया था तो नया लिया तो उसमें वो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा न्यूज़ ऑन एआईआर के ऐप को। बाय चांस प्रॉब्लम होगी, बाकी न्यूज़ ऑन एयर में सारे टीवी और रेडियो चैनल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो आजकल तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। चलिए जयवीर सिंह पूना से हैं, रिसर्च स्कॉलर, वो कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ सर, मेरा एक सवाल है कि आज कल जो प्लेटफॉर्म है हमारा डिजिटल उसमें उस पर क्या होता है कि एक न्यूज जो वास्तव में सच न्यूज होती है तो वो पांच पांच साल पुरानी वापस आ जाती है,
तो एक तो ये बड़ी समस्या है, और फेक न्यूज का तो आप मालूम ही है कि काफी क्वांटिटी आ रही है, लेकिन जो सच की न्यूज है और पुरानी थी वो भी वापस आ जाती है। अब जो वो प्रसारित करता है तो वो भलाई के लिए कर देता है वो व्यक्ति, तो वो चलती रहती है। तो क्या इस पर कुछ ऐसा हो सकता है कि होगा कि ये, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप डिजिटल मीडिया के बारे में बात करते हैं ना, डिजिटल मीडिया आप जैसे धनावर सर ने शुरू में काफी अच्छा बोल दिया बस डिजिटल मीडिया 15 वर्ष पुराना एक माध्यम है। तो 15 वर्ष पुराना माध्यम की कुछ चीजें जो होती है, क्योंकि जब पावर आपके हाथ में आ जाती है, आपके हाथ में या मेरे हाथ में, जब आम इंसान के हाथ में वो बटन आ जाता है, जब वो कुछ भी ब्रॉडकास्ट कर सकता है, वो कुछ भी कमेंट कर सकता है, कुछ भी शेयर कर सकता है, तो वो मीडियम जो है उसको हम बोलते हैं रैपिड है। अच्छी बात है, रैपिड है, बहुत फास्ट चलता है, आप इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि वो मीडियम रेलिवेंट है, राइट। तो अच्छी बात है, रेलिवेंट है। मैं गूगल पे जाता हूँ, लिखता हूँ व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म, मुझे हजारों आर्टिकल्स मिल जाते हैं। मुझे कौन सा यूज करना है वो मेरी बुद्धि पे, मेरी मेरे 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 मानसिकता पे निर्भर करता है। और इस मीडियम के लिए मैंने बोला रैपिड है, रेलिवेंट है। एक और एक आर इस मीडियम के साथ जुड़ा हुआ है, वो होता है रिलायबल, राइट, कि ये मीडियम रिलायबल है या नहीं, ठीक है। अभी वो उसके साथ इसकी एक एक फैक्ट है, ये मीडियम तभी रिलायबल है जब आप सेंसिबल हो। अगर आप सेंसिबल नहीं हो तो ये मीडियम रिलायबल नहीं है। जैसे मैं आपको एक बड़ी अच्छी खबर अपने साथ घटना एक घटित हुई, किसी ने एक ग्रुप में डाल दिया माधुरी दीक्षित रोड एक्सीडेंट में मारी गई, तो मैं सेंसिबल था, मैंने वो खबर को आगे नहीं भेजा, मैंने जाकर उसकी पुष्टि करी कि भाई माधुरी दीक्षित क्या रोड एक्सीडेंट में मारी गई, तो पता लगा कि माधुरी दीक्षित एक नर्स थी, वो पुणे के हॉस्पिटल में काम करी थी, वो एक रोड हादसे में मारी गई, मेरी वाली माधुरी दीक्षित नहीं मारी गई, राइट। तो आप कितने सेंसिबल हैं, आप देखिए, आप जब किसी चीज को फैक्ट को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो एक जर्नलिज्म की एक स्टेटमेंट है, जर्नलिज्म में पढ़ाया जाता है कि डबल चेक योर फैक्ट्स, राइट। उसमें अभी भी अगर मैं स्टूडेंट को बोलूं जिसको जर्नलिस्ट बनना है, उसको मैं बोलता हूं सुबह उठो अखबार पढ़ो, राइट, क्योंकि आप जर्नलिस्ट बनने आए हो। इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन शॉर्ट्स पढ़ रहा है, ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट टीओआई ऐप पढ़ रहा है, ठीक है, राइट, क्योंकि अखबार में मेरे से ज्यादा सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं, भनावत सर इसमें ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं, सुबोध सर इसमें ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं, राजीव सर चले गए वो ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। ये अखबार जो है उसकी साइकिल 24 घंटे की है और वो काफी पड़ावों से होके गुजरती है, राइट, पहले सब एडिटर के पास, एडिटर के पास, जिसको बोलते हैं ना गेट कीपिंग मॉडल, जो अखबार में है, तो जो अखबार की खबर होगी वो बहुत सॉलिड फैक्ट होगा, तो उस पे आपको यकीन करना है। डिजिटल मीडिया की खबर पे आप यकीन कर सकते हैं अगर आप सेंसिबल हैं। आप किसी रिलायबल वेबसाइट्स पे जाइए, आप हिंदुस्तान टाइम्स पे जाके चेक कर लीजिए, आप CNN पे जाके चेक कर लीजिए, आप, क्योंकि आपके पास तो बटन है, आपके पास तो गूगल है, आपको सिर्फ वो कीवर्ड्स 3 जगह डालना है, अगर 3 जगह उस बात की पुष्टि हो रही है तो मान लीजिए खबर सच्ची है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि विद्यार्थी जो पत्रकारिता के हैं अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। जी सर, बहुत दुर्भाग्य। इतनी जगह जा रहा हूँ देश में, यूनिवर्सिटीज में, जब भी इंटरेक्शन होता है कोई नहीं पढ़ रहा है अखबार। दूसरा जो आपने कंफर्म करने का कहा, तो एक और नई समस्या आ गई है, डीप फेक। एब्सोल्युटली सर, इस वीडियो में से मान लीजिए आपकी मेरी आवाज को वो AI जो है वो कैच कर लेता है और आपके मेरे फोटो के साथ अपने घर के किसी रिश्तेदार या मित्र को ये कह दे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और इतना पैसा भेजिए। जी जी जी, एक बार तो हाथ पर हिल जाएंगे, उस समय याद नहीं आएगा कि कंफर्म करना है कि क्या नहीं करना है, जी जी, और मालूम पड़ा अकाउंट खाली हो गया। जी, तो आपका कहना वो बहुत ठीक है कि तकनीक में हमें बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी, तकनीक हमारे पे हावी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं सर। आप मुझे बताइए, मैं आपको ChatGPT पढ़ा रहा हूँ जयवीर सर, मैं आपको बाढ़ पर, लाइट चली गई तो मैं क्या करूंगा जी, कहाँ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहाँ गया ह्यूमननेस। तो एक छोटी सी चीज, लाइट का आविष्कार कब हुआ था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उस पर निर्भर करती है। बिल्कुल। चलिए, और कोई सवाल? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ठीक है सर, चलिए, मुझे लगता है आज की चर्चा बड़ी रोचक रही, और सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ हमारे तीनों विशेषज्ञों का, राजीव कुमार शुक्ला जी, डॉक्टर सुबोध अग्निहोत्री जी और नवीन गौतम जी। सर एक मिनट, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। हाँ अशोक जी। माई सर अशोक डिंगरा फ्रॉम दिल्ली सिविल डिफेंस। मैं ये चाह रहा हूँ कि रेडियो या टीवी के ऊपर क्या नागरिक सुरक्षा के डिजास्टर के प्रति जो भी समस्याएं आती हैं
उनको हाईलाइट किया जाए और पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाई जाए, क्या ऐसा संभव है? सर आप बार से वापस से रिपीट करेंगे? सर मैं ये चाह रहा हूँ टीवी या रेडियो के ऊपर दिल्ली नागरिक सुरक्षा के आपदा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो हाईलाइट की जाए और पब्लिक को। सर आप बहुत जल्दी देखेंगे आपका फोन हो सकता है, मैं ये मीटिंग हमारी खत्म हो आपके फोन पे कुछ एक मैसेज आए और वो मैसेज को पढ़कर आप जो है उसको सेव कर ले, तो कोई भी प्राकृतिक आपदा, जैसे मैं बताता हूँ दिल्ली में आज बारिश आने का अनुमान था तो सुबह से करीबन मेरे को 15 SMS सरकार ने भेजे कि आज बारिश होगी ध्यान रखें, बारिश होगी ध्यान रखें, बारिश होगी ध्यान रखें। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, आपके शहर तक पहुंचा नहीं पहुंचा, जल्द पहुंच जाएगा, तो ये हो चुका है। और ये भी संभव हो पा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, क्योंकि जो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है उन्होंने अपने पूरे सिस्टम को AI बॉट लगा दिया है और AI बॉट जो है वो अभी जो है हमारा जो डिपार्टमेंट होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसके साथ कनेक्टेड है, तो वहां से जो भी अलर्ट आती है वो अलर्ट पेनिट्रेट करती है हमारे मोबाइल फोन्स में, हमारे ईमेल्स में, तो ये कार्य ऑलरेडी हो चुका है। और मीडिया भी मेरे ख्याल इसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए जागरूक है, विशेषकर दूरदर्शन आकाशवाणी में तो बाकायदा रेगुलर प्रोग्राम्स आते हैं और अखबारों में इसमें आलेख भी छपते ही रहते हैं, तो मीडिया एक सीमा तक अपना काम कर रहा है। और बाकी तो अब जैसा नवीन जी ने कहा कि AI ने और नए द्वार खोल दिए हैं अपडेट करने के लिए। चलिए हम आभार प्रकट करते हैं, जैसा मैं शुरू में कह रहा था, हमारे तीनों मित्रों का जिन्होंने पूरे परिश्रम के साथ और बहुत ही रोचक तरीके से, विशेषकर नवीन जी ने जो अपने व्यावहारिक जीवन के उदाहरण इसके साथ जोड़ करके और प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेट करके जिस तरह से चीजों को बताया, वो इस विषय को बड़ी गहनता से समझने में हमारी इसने बहुत मदद की है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है वो इन विषय को समझने के लिए, या यूं कहूं कि इस विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा भाव पैदा करने के लिए भी यदि कुछ सफल हो सके तो ये हमारे श्रम की सार्थकता है। ये हमारी जो यात्रा लगभग 3 साल की है, इसमें अब तक करीब 350 विशेषज्ञ देश विदेश से जुड़ चुके हैं, ये भी अपने आप एक संतोष की बात है। और जो महत्वपूर्ण बात मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, ये सारा डेलिब्रेशन जो आज हुए हैं, ये हमारी जितनी भी वेबिनार्स है उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं, आज का भी ये पूरे जो चर्चा है ये हमने रिकॉर्ड की है और अभी थोड़ी देर में जैसे ही मेल पे मुझे ये रिकॉर्डिंग मिलेगी मैं इसको अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और सोशल मीडिया के थ्रू इस सारे मैसेज को थ्रू फेसबुक, एक्स जिसको पहले ट्विटर कहते थे, ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जो हमारे डिफरेंट ग्रुप हैं, इनके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचे। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा जो ये विचार अभियान है, वैचारिक अभियान है, ये आगे तक पहुंचे और मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर जो ये चर्चा की शुरुआत हुई है इस श्रम को आप कहीं सार्थक बनाए। इसका तकनीकी पक्ष डॉक्टर पृथ्वी सेंगर संभाल रही हैं, जो IIT यूनिवर्सिटी मेरठ में शिक्षक हैं, मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। और एक हमने पिछली बार एक और ये प्रयोग किया, कई बार प्रॉब्लम्स आती थी हमारे मित्रों को सर्टिफिकेट प्राप्त करने में, कभी किसी का ईमेल ठीक नहीं है, किसी के कोई प्रॉब्लम है, किसी का ईमेल फुल हो चुका है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स। अब हमने अपना वेबसाइट पे ही एक सेक्शन बना दिया है इवेंट सर्टिफिकेट, तो हमने पिछले 3 वेबिनार्स के सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं, एक आध दिन में हम इसके भी सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। तो जिन मित्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो मैंने देखा था 278 रजिस्ट्रेशन हो चुके थे कार्यक्रम शुरू होने के पहले, तो जो मित्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उन सबको सर्टिफिकेट मिलेंगे, तो वो अपने सर्टिफिकेट हमारे उस वेबसाइट से communicationtoday.net वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी ने सक्रिय सहयोग दिया इस पूरी चर्चा में, अपने सवाल पूछे, बहुत बहुत धन्यवाद, इस विश्वास के साथ कि आपका यही सहयोग हमें आगे आने वाली जो वेबिनार्स हैं इसमें भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। हाँ साहब, आपको भी शुभकामनाएं, हमने कार्यक्रम शुरू होते ही शुभकामनाएं दी थी और आपको एक बार पुनः शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि प्रसारण की जो भावी दुनिया है इसको आप सब समझेंगे और इस तकनीकी जो युग से हम आक्रांत हैं तकनीक से, उससे कहीं अपने आप को बचाते हुए व्यापक मानव कल्याण के लिए इसका उपयोग कर सकें। इन्हीं कुछ चिंताओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, शुभ रात्रि।
सर, मैं रेडियो का पूरा फैन रहा हूँ। बिल्कुल चुका है। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा अच्छा है आप जुड़े हमसे और मोटिवेट किया हमारी युवा पीढ़ी को। बहुत बहुत धन्यवाद। घर से तो गालियां पड़ती थी बचपन में मेरे को। एक इंडिकेशन होता ना, आते ही रेडियो चालू हो गया तो समझ लो कि आ गए भाई साहब। उसके बाद हमारे प्रबंधक महोदय, जब मैं ऑफिस में काम करता था, 2 मिनट ले रहा हूँ सिर्फ, वो क्या करते थे, हम ऑफिस के अंदर रेडियो चलाते थे और उनको बड़ी जो है ना एक खिजूसी महती थी और 5 रुपए की लीड आती थी उस समय रेडियो की। उन्होंने वो गायब कर देनी। एक दौर था जब लाइसेंस नहीं लेना पड़ता था रेडियो के लिए। ऐसे करते करते जो है लीड बहुत कठी हो गई, तो मैंने एक दिन उनके उसमें से निकाल दी सारी। और एक बार ऑफिस के अंदर हमारे एक कस्टमर आए, क्योंकि मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ, वो उन्होंने अखबार में छपवा दिया लेके, कहते हैं मैं जब भी बैंक में जाता हूँ तो ये भूल जाता हूँ गाने सुन सुन के कि मैं किस काम से आया था। कहता क्लासिकल गाने आते तो इतने मस्त हो जाते हैं कि हम अपना काम भी भूल जाते हैं, किस काम के लिए आए हम। जी जी, चलिए वो भी अपनी एक रोचक रोमांचक दुनिया है। चलिए, वो भी अपना एक समय था। बिल्कुल बिल्कुल साहब, अब तो काफी चेंज हो गया। व्हाट्सएप के ऊपर FM गोल्ड के सारे मैसेज आते हैं हमको। बिल्कुल 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद आपको। जय भारत। जय भारत। धन्यवाद सर।